डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में। अरे आपको अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में। अरे आपको अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? आमिर खान क्या कर रहे हैं साउथ एक्टर्स के साथ? क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर ने मिलाया साउथ एक्टर्स का हाथ? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म के प्रमोशन के चलते आमिर खान किस हद तक चले गए। इन सभी बातों पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। RRR स्टारर रामचरण ने हाल ही में सलमान खान को अपने हैदराबाद वाले घर पर इनवाइट किया था। उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर छा गई थी। पोस्ट में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े और वेंकटेश दुग्गुबाती भी थे। अब इस मामले में आमिर खान भले कैसे पीछे रहेंगे? तो बस कुछ दिनों बाद रामचरण के घर पर लाल सिंह चड्ढा स्टारर आमिर खान भी पहुंचे। रामचरण की पत्नी उपासना कोरी जेला ने आमिर को अपने घर पर खास वेलकम किया। तस्वीर में तीनों खड़े होकर पोज दे रहे हैं। आमिर इस वक्त फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी बिजी है। ऐसी खबर है कि वह लाल सिंह चड्ढा के VFX के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे थे। रामचरण और उपासना को जब पता चला कि आमिर शहर में है तो उन्होंने उनको डिनर पर बुला लिया। रामचरण की पत्नी ने सलमान और आमिर के साथ दो अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि उन्होंने डिनर को बहुत एंजॉय किया। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर आमिर के साथ एक फोटो पोस्ट की। संयोग से उनकी मुलाकात वहीं हो गई। दरअसल अमिताभ बच्चन को प्रोजेक्ट ए के मेकर्स के ऑफिशियल लॉन्च पर हैदराबाद में थे। उनके साथ नानी बलकीरा सलमान और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील भी उस इवेंट का हिस्सा थे। इवेंट खत्म होने के बाद अमिताभ अपनी कार से निकल ही रहे थे, जहां आमिर से मुलाकात हो गई। बिग बी ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, और जैसे ही मैं निकलने वाला था मेरी कार की खिड़की पर आमिर ने दस्तक दे दिया। आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना फिर नई ऐसी रात आएगी रिलीज कर दिया है। इसे लॉन्च करते हुए आमिर की मुलाकात सोशल मीडिया स्टार से हुई, जिसमें से एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी है। इस दौरान उन्होंने लेडी स्टार से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल जवाब किए। उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आमिर फिल्म की प्रमोशन को लेकर कितने एनर्जेटिक वे में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए सारी हदें पार कर दी है। सबसे मिलना जुलना, बातें करना, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ पोस्ट पर दिखना, क्या ये सब आमिर की प्रमोशन ट्रिक है? आमिर अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हिट करके ही छोड़ेंगे? मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में। अरे आपको अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? मुझे कुछ बनना था, बनना था किसी की तरह, किसके सपने पूरे किए आमिर ने, किसके साथ कदम मिलाए आमिर ने, क्या आमिर ने सुनाई कोई कहानी? हेलो एवरीवन, मैं जैसा नरला स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, ऐसा हम नहीं, ऐसा किसी और ने कहा है। अब ये कौन है अब हम आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी करनी पड़ेंगी। अक्सर लोग बॉलीवुड स्टार से मिलने, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने या उनसे कुछ पल बात करने का ख्वाब देखते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनकी कुछ मूवीज़ या उनके कुछ करेक्टर्स लोगों के दिल को छू जाते हैं। इसलिए जब उन्हें ऐसे कुछ ड्रीम पूरे होते हैं तो इसी एहसास को शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता।
ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा के गाने पर कदम से कदम मिलाते नजर आए अक्षरा और आमिर। ये गाना था फिर मैं ऐसी रात आएगी। लाल सिंह चड्ढा का ये रोमांटिक ट्रैक सभी को बेहद पसंद आया और इसे आमिर अपनी तरफ से अच्छी तरह प्रमोट भी कर रहे हैं। इसी बीच अक्षरा को मौका मिला अपने ड्रीम एक्टर के साथ इस गाने पर छोटा सा डांस परफॉर्मेंस देने का। ये सीक्वेंस आपको उनकी आईडी पर दिख जाएगा जिसमें खुद आमिर अक्षरा का हाथ मांग रहे हैं, जिसके बाद इस गाने का मेन पार्ट प्ले होता है और आमिर और अक्षरा डांस करते हैं। आप अक्षरा के चेहरे पर वो खुशी देख सकते हैं जो सिर्फ एक फैन के चेहरे पर आती है जब वो अपने फेवरेट स्टार से मिलती है। उन्हें ये गाना खूब पसंद आया जिसके बाद इस गाने ने उनके कुछ सपने पूरे कर दिए। ये गाने को रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल ही रहा है लेकिन इसके बावजूद आमिर इसे जगह जगह प्रमोट करते दिख रहे हैं। जब से अक्षरा से आमिर की प्रेजेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि वो कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो उनमें वो स्टार्स वाला घमंड नहीं है। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद वो अक्षरा से बार बार कन्वर्सेशन आगे से कर रहे थे। अक्षरा ने ये भी बताया कि उन्हें आमिर की प्रेजेंस में काफ़ी कम्फर्टेबल फील हुआ और उन्होंने यही कहा कि आमिर से मिलना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। इसीलिए वो और आमिर और लाल सिंह चड्ढा की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट विश करना ही चाहेंगी। अब जब एक गाने की बात हो ही गई है तो चलिए चलते हैं लाल सिंह चड्ढा के दूसरे गाने की तरफ। हम बात कर रहे हैं मैं की कारण गाने के बारे में। सोनू निगम की आवाज़ में रिलीज हुआ ये गाना आन मिर्रे खास बना ही दिया। उन्होंने इस गाने की शुरुआत में पंजाबी एक्सेंट में एक कहानी बताई जिसमें वो बड़े प्यार से एक अजीब गल के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने प्रॉपर पंजाबी एक्सेंट में एक कहानी बतानी चाहिए अपनी यादों के बारे में। गाना शुरू हुई इस कहानी से होता है। आमिर का यही कहना था कि ये स्ट्रैटेजी थी लोगों से उन्हीं से उन्हीं की भाषा में कनेक्ट करने की। सोनू निगम ने तो अपना काम किया ही है लेकिन आमिर अपनी आवाज़ डालकर इसे और भी पर्सनल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये अमेजिंग तरकीब निकाली। मैं की कराएं एक बहुत ही प्यारा गाना है जिसके बारे में आमिर ने काफ़ी प्रमोशंस में जिक्र किया है और ये गाना और भी खूबसूरत बनाया और किसी ने नहीं बल्कि आमिर के प्रमोशंस ने और आमिर ने अपनी आवाज़ डालकर। आपको क्या लगता है कि आमिर की तरकीबें काम आ रही हैं? क्या आमिर आपका ध्यान अपनी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा पर ला पाए? कमेंट करके हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब आमिर खान क्या कर रहे हैं साउथ एक्टर्स के साथ? क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर ने मिलाया साउथ एक्टर्स का हाथ? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म के प्रमोशन के चलते आमिर खान किस हद तक चले गए। इन सभी बातों पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। RRR स्टारर राम चरण ने हाल ही में सलमान खान को अपने हैदराबाद वाले घर पर इनवाइट किया था। उनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर छा गई थी। पोस्ट में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े और वेंकटेश दुग्गबती भी थे। अब इस मामले में आमिर खान भले कैसे पीछे रह गए, तो बस कुछ दिनों बाद राम चरण के घर पर लाल सिंह चड्ढा स्टारर आमिर खान भी पहुंचे। राम चरण की पत्नी उपासना कोरीडेला ने आमिर को अपने घर पर खास वेलकम किया। तस्वीर में तीनों खड़े होकर पोज दे रहे हैं। आमिर इस वक्त को लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी बिजी है। ऐसी खबर है कि वह लाल सिंह चड्ढा के VFX के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे थे। राम चरण और उपासना को जब पता चला कि आमिर शहर में है तो उन्होंने उनको डिनर पर बुला लिया। राम चरण की पत्नी ने सलमान और आमिर के साथ दो अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि उन्होंने डिनर को बहुत एंजॉय किया। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी अपने इंस्टाग्राम पर आमिर के साथ एक फोटो पोस्ट की। संयोग से उनकी मुलाकात वहीं हो गई। दरअसल अमिताभ बच्चन को प्रोजेक्ट ए फिल्ममेकर्स के ऑफिशियल लॉन्च पर हैदराबाद में थे। उनके साथ नानी गलकीरा सलमान और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील भी उस इवेंट का हिस्सा बने। इवेंट खत्म होने के बाद अमिताभ अपनी कार से निकल ही रहे थे जहां आमिर से मुलाकात हो गई। बिग बी ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, और जैसे ही मैं निकलने वाला था मेरी कार की खिड़की पर आमिर ने दस्तक दे दिया। आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना फिर न ऐसी रात आएगी रिलीज कर दिया है। इसे लॉन्च करते हुए आमिर की मुलाकात सोशल मीडिया स्टार से हुई जिसमें से एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी है। इस दौरान उन्होंने लेडी स्टार से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई सवाल जवाब किए। उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आमिर फिल्म की प्रमोशन को लेकर कितने एनर्जेटिक वे में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए सारी हदें पार कर दी है। सबसे मिलना जुलना बातें करना, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ पोस्ट पर दिखना, क्या ये सब आमिर की प्रमोशन ट्रिक है?
आमिर अपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हिट करके ही छोड़ेंगे। किसके लिए तैयार कर रहे हैं आमिर स्पेशल स्क्रीनिंग? किसको देना चाहते हैं आमिर तोहफा? हेलो भाइयों और उनकी बहनों, स्वैग से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों को अपनी प्यारी के लिए करें वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पाए बॉलीवुड की गपशप सबसे पहले सुनने को। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स में से एक आमिर खान आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों का हिस्सा बना रहते हैं। उनको ज्यादातर लोग हमेशा एक ही समय पर एक ही फिल्म पर काम करने के लिए जानते हैं। फिलहाल वो तो पूरी तरह से फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करने में बिजी है। ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बाद खबर आई थी कि आमिर आर एस प्रसन्नन की फिल्म में भी काम करेंगे। इसी के साथ ये पता चला था कि ये एक स्पेनिश फिल्म का हिंदी रीमेक होगा जिस पर वो अक्टूबर से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर खान और भी स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं क्योंकि उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के बीच गैप हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक्टर एक नहीं बल्कि दो फिल्मों पर काम कर सकते हैं। वही लाल सिंह चड्ढा को लेकर ताजा खबर ये है कि आमिर टॉम हैंक्स के लिए फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉम हैंक्स के लिए, जो मेन फिल्म फॉरेस्ट गम के लीड एक्टर थे। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की इसी फिल्म की रीमेक है। ऐसी खबर है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के क्लोजर आमिर अमेरिका में टॉम हैंक्स के लिए स्क्रीनिंग प्लान करेंगे या पर्सनली तरीके से उन्हें फिल्म दिखाने के लिए वहां खुद भी जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि टॉम हैंक्स लाल सिंह चड्ढा को देखें और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आमिर खान ने अपनी ट्रू स्टोरी को ओरिजिनल वर्जन तक ही रखा है। फिल्म कथित तौर पर आमिर को अलग अलग उम्र अलग अलग लुक के जरिए शोकेस करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि मोना सिंह खान की मां की भूमिका निभा सकती हैं। दूसरी ओर करीना कपूर खान उनकी लवर की भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म से साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य का भी बॉलीवुड में डेब्यू होगा। फिल्म का ट्रेलर तो पहले ही आ गया है लेकिन बहुत ज्यादा लोग ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हो पाए थे। इसी चक्कर में आमिर ने अब फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग भी कर ली है। अब दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है? क्या आमिर दूसरे ट्रेलर से सबका दिल जीतने में सफल हो पाएंगे या अक्षय कुमार की रक्षाबंधन की क्लैश के चलते आमिर की फिल्म पीछे रह जाएगी? क्या चड्ढा को मिलेगा रूपा का साथ? कैसे था फॉरेस्ट गम की हीरोइन का किरदार? दोस्तों आ गए हैं बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट लेके एक और परफेक्ट फिल्म हम सबके सामने। इस फिल्म का नाम तो आपने सुना होगा ना? जी हाँ, फिल्म लाल सिंह चड्ढा। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि ये एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की हिंदी रिमेक है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ये घूमेगी लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान के इर्द गिर्द। साथ ही इस फिल्म में हमें रूपा यानी कि करीना की जिंदगी के कुछ जरूरी हिस्सों को दिखाया जाएगा। वैसे दोस्तों हम बड़े ही लंबे समय बाद देख रहे हैं इन दोनों एक्ट्रेस की जोड़ी को एक साथ, और ये बात सुन के कुछ फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और बता दें कि आमिर और करीना की जोड़ी हमें दिख रही है उनके सुपर डुपर हिट फिल्म 3 Idiots के बाद। और हम सब ये भी जानते हैं कि आमिर खान को लोग यूं ही परफेक्शनिस्ट नहीं कहते। उनकी फिल्म में हमें उनका हार्ड वर्क दिखाई देता है और वही चीजें उनके को-स्टार्स को भी फॉलो करनी पड़ती है, और इस चीज को फॉलो करते हुए दिखी हमारी बॉलीवुड की बेबो। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए करीना ने ऑडिशन दी थी। अब ये बात सुनकर आपको हैरानी हुई होगी कि करीना और ऑडिशन, पर ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, करीना ने ऑडिशन दिया था इस फिल्म के लिए। दोस्तों वही अगर हम बात करें फिल्म के करीना के किरदार के बारे में तो फिल्म में उनका किरदार हमें बहुत सी जगह लाल सिंह चड्ढा को हिम्मत देते हुए नजर आएगा। उनका किरदार काफी बोल्ड होगा फिल्म में और वो अपनी जिंदगी में जो चाहती हैं वही करती हैं।
वैसे आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप में फीमेल लीड जेनी क्रेन का किरदार भी कुछ इसी तरह का था, जो हमें ये उम्मीद कर सकते हैं कि करीना के किरदार को भी हमें यही सारी बातें देखने मिलेंगी। तो दोस्तों, ये फिल्म हमारे सामने आएगी 11th अगस्त 2022 को और फिल्म के सारे किरदारों पे से उठेगा पर्दा। पर इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और दोस्तों, क्या लगता है आपको करीना के किरदार के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो अब लेते हैं हम आप सभी से इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक। दुखाया आमिर का दिल, यो करीना चौक उठी, किसने की आमिर की तारीफ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक आपका मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। आमिर खान ने कहा था, आई एम हैप्पी दैट आई हैव एंटरटेन्ड पीपल एंड मेड देम हैप्पी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आमिर हो गए नाराज? आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जिससे आमिर ने खुद का दिल दुखने दिया? तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ लाल सिंह चड्ढा के सेट पर। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया था कि लाल सिंह चड्ढा की क्रू पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी लद्दाख की शूटिंग वाली जगह को गंदा किया था। यानी कि जिस जगह लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग हुई थी वहां काफी प्लास्टिक की बॉटल फैलाई गई थी और ये आरोप खुद गांव वालों ने लगाया था, जिसका वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था। बस फिर क्या, आमिर इस बात से काफी नाराज हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से वो अपने फैंस, अपनी ऑडियंस को हमेशा खुश देखना चाहते हैं और वो यही कोशिश करते हैं कि उनकी ऑडियंस उनको देखकर एंटरटेन हो और खुश रहे। और अब एक ऐसा इल्जाम उन पर लगाया गया था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं करने को। आमिर खुद को एक एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं और बढ़ते पॉल्यूशन के लिए मेजर्स भी लेते दिखाई देते हैं। आमिर की अपनी एक पानी फाउंडेशन भी है जो महाराष्ट्र के बहुत से गांवों में पानी की समस्याओं पर ध्यान देती है। उन्होंने बहुत से गांव को ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना पर मदद भी पहुंचाई है। ये फाउंडेशन उन्होंने किरण राव के साथ शुरू की थी। तो ऐसे में जब वो इतने एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं और ऐसे में उनकी टीम पर जो कीचड़ उछाला गया है उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। उनके हिसाब से वो जब वहां थे तो उन्होंने वहां के लोकल से काफी अच्छे से बात की थी और उनके सामने काफी अच्छे से पेश भी आए थे और सबके साथ घुल मिल के रहे। ऐसे में उन पर इतना बड़ा इल्जाम डाल कर उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया है, उन्हें ऐसा लगता है। उन्होंने अपना @आमिर खान प्रोडक्शन वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इससे संबंधित नोट भी डाला था, जिसमें साफ जाहिर किया गया था कि वो अपनी टीम से बहुत खुश हैं और उन पर यकीन भी करते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई कचरा नहीं फैलाया है वहां पर। बस इसी वजह से आमिर जरा से नाराज है, ये खबर हमें उनकी करीबी लोगों से मिली है। सेट पर भी आमिर ने इस न्यूज के बाद काफी दुखी दिखाई दी, जिसके बाद करीब एक हफ्ते तक उनका मूड खराब था। लेकिन अब वो शांत हो गए हैं और उन्होंने फिर से मूवी का प्रमोशन करना एकदम धूम धड़ाके से शुरू कर दिया है। आमिर के बाद अगर कोई मूवी में एक्सपीरियंस्ड है तो वो है वन एंड ओनली करीना कपूर खान। जी हाँ, लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स को ये बहुत बड़ा फायदा था दोनों के साथ मिलकर। दोनों ही स्टार्स अपने अपने टाइम के मराठी हैं, ऐसे में करीना ने आमिर को कुछ सीन्स में आउट परफॉर्म करने में मदद की है। दरअसल मूवी में एक सीन था, अगर आपने गौर फरमाया हो, जिसमें मोना और आमिर एक्ट कर रहे हैं। ये सीन ट्रेलर में भी दिखाया गया था और अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से देख सकते हैं। इस सीन में आमिर ने वर्दी भी पहनी है। सोर्स ने रिवील किया है कि ये सीन मूवी में सबसे ज्यादा बार शूट हुआ था, क्योंकि वो इमोशन सीन्स में नहीं दिखा पा रहे थे। ऐसे में इस सीन का सही मूवी में होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मेकर्स घबराए हुए थे कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। इसमें करीना ने अपना जादू चलाया। जी हाँ, करीना ने आमिर और मोना को इस सीन में डायरेक्ट किया और उन्हें अच्छे से गाइड करके उस सीन को परफेक्ट बनाया। एलओसी देखने को कहा, फाइनली सजेशन के बाद वो दोनों ये सीन अच्छे तरीके से कर पाए, इमोशंस के साथ शूट कर पाए। ऐसे में जब ये सीन उन्होंने मूवी में फाइनल देखा तो वो काफी ज्यादा खुश भी हुए और उन्हें चौक भी गए थे स्ट्रीट से। एक्चुअली ये सीन मूवी का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन है। अजय तो चंदन आमिर के दीवाने हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि आमिर एक पूरा पैकेज है, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग, स्क्रीन प्ले और सब कुछ आमिर को आता है। आमिर जिस भी मूवी में होते हैं वो आधे से ज्यादा भार तो अपने कंधों पर ले लेते हैं।
इसलिए डायरेक्टर काफी खुश रहते हैं उनसे। डायरेक्टर के हिसाब से आमिर की तारीफ करते हुए आमिर तो हवा में चले गए थे। आपको क्या लगता है गाइस, क्या सच में आमिर एक पूरा पैकेज है? और अगर हाँ तो आमिर आपको किस रोल में ज्यादा पसंद आए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो याद रहते हैं आमिर, किसका सपना हुआ पूरा, किसका वीडियो हो रहा है वायरल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मम्मी कहती है जिंदगी गोलगप्पे जैसी होनी चाहिए, जिसे खाने से पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। ये डायलॉग तो अब जाना पहचाना लगने लगा होगा आपको, और सुनते ही याद आ जाती होगी पिंक पगड़ी पहने लाल सिंह चड्ढा की। फिल्म में अलग अंदाज में दिखने वाले आमिर अपने लुक और मूवी के लिए चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिससे ये एक मोटिवेशनल मूवी हो सकती है। अब बात करें कि आमिर इस मूवी के लिए सिख ही क्यों बने, तो आपको बता दें ये तो फिल्म के डायरेक्टर अतुल कुलकर्णी की चॉइस थी। इस पात्र को सिख किरदार के साथ प्रेजेंट करने में ज्यादा कंफर्टेबल थे। दोस्तों वैसे तो आमिर काफी सालों से हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं, जिससे उनकी पहचान उनकी फिल्म के साथ उनके लुक्स के कारण भी रहती है। आमतौर पर हम किसी एक्टर को उसकी किसी पर्टिकुलर फिल्म में अच्छे अभिनय के लिए जानते हैं, पर आमिर के साथ थोड़ा उल्टा है। फिल्म में उनका अभिनय तो शानदार रहता ही है, पर हर मूवी में उनका डिफरेंट लुक उनको बाकी एक्टर से अलग बनाता है। हम ज्यादा याद रखते हैं चाहे वो फिल्म लगान का भुवन हो या तारे जमीन पर फिल्म के राम शंकर निकुंभ का किरदार हो। फिल्म पीके के बड़ी आंख वाले आमिर को तो कभी नहीं भूला जा सकता है, और आमिर का गजनी लुक तो अपने आप में ही एक फैशन बन गया था। और अब आ रही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में वो एक सरदार के गेटअप में नजर आने वाले हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी खबर ये है कि आमिर खान और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्सरा सिंह ने फिल्म के गाने फिर रात आएगी पर डांस करते हुए नजर आए, और इसी के साथ अक्सरा का सपना पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने आमिर के साथ इस फिल्म के नए गाने में थोड़ा थिरक लगाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो डाला जिसमें दोनों ही मेकअप रूम में बैठे थे और आमिर ने अक्सरा की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर दोनों अपनी कुर्सियों से उठकर नाचने लगे। वीडियो में अक्सरा ने मैचिंग पैंट और हील्स के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टॉप पहना था, और आमिर ने कैजुअल लुक चुना, सफेद टी शर्ट डेनिम शर्ट और पैंट के साथ साथ भूरे रंग के जूते में दिखे। वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है और अभी तक 1 मिलियन लोगों द्वारा देखा जा चुका है। इसके साथ ही अक्सरा को बॉलीवुड के बहुत से लोग जानने लगे हैं। वीडियो के क्लिप में अक्षरा एक अजब सा मुंह एक्सप्रेशन बनाते हुए भी दिखी थी क्योंकि आमिर ने उन्हें अपने और खींच लिया था और तुरंत ही दूर कर लिया। तो दोस्तों आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। घुसा आमिर और अक्षय के क्लैश के बीच में, कहां लगाए आमिर ने अपने 25 लाख्स। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, स्वैग से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, आज के धमाकेदार वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को अपनी प्यारी के लिए करें वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पाएं बॉलीवुड की गपशप सबसे पहले सुनने को। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पिछले काफी समय से जबरदस्त चर्चा में है। इसके पीछे की वजह है उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसमें वह एक बार फिर से करीना कपूर के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म से नागा चैतन्य अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को अदित्य चंदन ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म साल 1994 में आई अमेरिकन फिल्म फॉरेस्ट गम का ऑफिशियली रीमेक है। इससे पहले भी आमिर कई हॉलीवुड मूवी कर चुके हैं। जितनी भी मूवीज में आमिर नजर आए हैं वो सब बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस कर चुकी है, जिसमें गुलाम, अकेले हम, अकेले तुम जैसी मूवी शामिल है। इसी बीच अब आसाम के सीएम ने आमिर खान का आभार जताया है, जिसके पीछे की वजह है उनके द्वारा सीएम रिलीफ फंड में पैसे डोनेट करने का। जी हाँ, असम के सीएम हिमंता ने आमिर को महान अभिनेता बताते हुए उनका आभार जताया है। जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और सुपरस्टार जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब जहाँ देश के एक राज्य में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में हर कोई मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आमिर ने 25 लाख रुपीज डोनेट किए हैं। आने वाले अगस्त में 11 तारीख को बॉलीवुड के दो बड़े सितारों की टक्कर पर बात हो ही रही थी कि अब कहानी में साउथ के सुपरस्टार विक्रम की एंट्री से ट्रायंगल बन गया है।
11 अगस्त को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन रिलीज हो रही है। यह साल बॉलीवुड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा और साउथ के सिनेमा ने हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस पर मोटी रकम कमाई है। ऐसे में जब अक्षय और आमिर दोनों ही उम्मीद जता रहे थे कि 11 अगस्त को दोनों की फिल्में चलेंगी, लेकिन साउथ से विक्रम की फिल्म दोनों के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। आमिर और अक्षय की फिल्म के साथ विक्रम की लॉन्ग अवेटेड फिल्म कोबरा भी इसी दिन रिलीज हो रही है। अक्षय या आमिर में से किसी की भी फिल्म कमजोर पड़ी तो सीधा फायदा कोबरा को मिल सकता है। साल के शुरू में रणवीर सिंह स्टारर 83 के कमजोर होने का फायदा भी अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा को मिला था। दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि फंस जाएगी आमिर की फिल्म इन दोनों फिल्मों के बीच में, या आमिर मार लेंगे बाजी? आप सब अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटके सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुनने का लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय। क्या थी आमिर की दर्दनाक लव स्टोरी? कैसे धोखा मिला आमिर को प्यार में? हेलो भाइयों और उनकी बहनों, स्वैग से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो चलिए आज के धमाकेदार वीडियो और आमिर की फर्स्ट लव स्टोरी की सैड एंडिंग आखिर कैसे हुई, ये सारी बात जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को अपनी प्यारी के लिए करें वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पाएं बॉलीवुड की गपशप सबसे पहले सुनने को। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हुई, साथ ही फिल्म का दूसरा ट्रेलर और गाना भी रिलीज हो रहे हैं। फिल्म का गाना फिर ना ऐसी रात आएगी हाल ही में रिलीज हुआ। गाने के लॉन्च के दौरान आमिर खान ने अपने पहले प्यार के बारे में बताया। आमिर खान के मुताबिक वो जिस लड़की से प्यार करते थे उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, यानी आमिर भी हमारी तरह वन साइडेड लव स्टोरी में थे। आमिर कहते हैं कि उस लड़की को और उसकी फैमिली ने कुछ वक्त पहले ही देश छोड़ दिया था। लाल सिंह चड्ढा का गाना फिर ना ऐसी रात आएगी के लॉन्च के दौरान आमिर खान ने अपने पहले प्यार और दिल टूटने की कहानी के बारे में कुछ सारी बात बताई जो उनके फैंस को नहीं पता था। आमिर खान के मुताबिक उनका पहला प्यार उनकी एक खास दोस्त थी, हालांकि उस लड़की को उनकी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये वो टाइम था जब आमिर टेनिस खेलते थे और वो लड़की उसी क्लब में आती थी, और एक दिन आमिर को पता चला कि उसने अपनी फैमिली के साथ देश छोड़ दिया है। आमिर ने कहा कि उनका दिल पूरी तरह ये खबर सुनकर टूट चुका था। खास बात यह है कि उसे पता नहीं चला कि वो आमिर की क्रश है। आमिर खान आगे कहते हैं, बस एक चीज अच्छी हुई, मैं बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर बन गया। बाद में कुछ साल बाद मैंने स्टेट लेवल टेनिस चैंपियनशिप खेला और स्टेट लेवल चैंपियन बन गया। गौरतलब है कि आमिर खान ने दो बार शादी की। पहले शादी उन्होंने रीना दत्ता से साल 1986 में की थी। साल 2002 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में किरण राव से शादी की। साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया। आमिर तीन बच्चों जुबैर, आयरा और आजाद के पिता है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के ओपोजिट करीना कपूर लीड रोल में है। लाल सिंह चड्ढा टॉम हैंक्स की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। वही गाने की बात करें तो फिलहाल इसके केवल ऑडियो वर्जन रिलीज किया गया है। चार दिन में गाने को 84 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आमिर खान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन से भी क्लैश हो रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है आमिर की लव स्टोरी को लेकर और उनकी आने वाली फिल्म को लेकर? आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सुमिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय। कैसे करेंगे आमिर अपने फैंस को एंटरटेन? क्या करीना ने किया आमिर को डायरेक्ट? क्या करीना है अक्षय का लकी चार? आमिर के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्रिटिक रिव्यूज, अवार्ड्स कुछ भी मैटर नहीं करता। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो है ऑडियंस का एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अगर उनकी मूवीज देखने के बाद दर्शक मूवी हॉल से खुशी खुशी निकलते हैं तो वही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बस अब अगस्त में लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी, तब पता चल ही जाएगा इस बार ऑडियंस की तालियां बटोरने में कामयाब हुए आमिर या नहीं। पहली बार एक सिख आदमी का किरदार निभाते हुए आमिर को लग रहा है डर।
उन्होंने अपनी कहानी पर पूरा भरोसा किया है, लेकिन फिर भी वो अगस्त में दर्शकों का रिएक्शन जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमिर ने अपने फैंस से वादा किया है कि वो पर्सनली कुछ थिएटर्स में दिखाई देंगे जब मूवी रिलीज होगी। वो दर्शकों का रिएक्शन खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उन्होंने मुंबई में होने का वादा किया है और वो खुद उस वीकेंड पर अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ सकते हैं। वो सिर्फ एक ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि उन्हें फिल्म एंटरटेन करने में कामयाब हुई या नहीं। टग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद वो खुद भी नाराज है। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने फैंस को काफ़ी नाराज किया था, इसलिए उनकी भरपाई करने में उन्हें 4 साल की मेहनत लगा दी। ये मेहनत लाल सिंह चड्ढा के रूप में हम सबको 11 अगस्त को थिएटर्स पर देखने को मिलेगी। देखना ये होगा क्या इस बार अपने फैंस के चेहरों पर लेके आ पाते हैं आमिर स्माइल, और अगर हाँ तो ये उनके लिए कोविड के बाद सबसे पहले गुड न्यूज़ होगी। तो बस आपकी तरह हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अगस्त का। हम भी यही आशा करते हैं कि इस बार आमिर एक बेहतरीन मूवी लेके आएंगे। लाल सिंह चड्ढा ने एक नहीं बल्कि 2 सीजनल कैरेक्टर्स हैं। जहां आमिर अपनी एक्टिंग से सबको चौंका देने वाले हैं, वहीं करीना भी अपना कमाल दिखाने में भी पीछे नहीं हटेंगी। इनकी जोड़ी पहले भी बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई थी, चाहे 3 इडियट्स जैसी हंसती खेलती रियलिटी चेक देने वाली कहानी हो या तलाश जैसी डार्क शेरी और फिक्शनल स्टोरी। ये दोनों हमेशा ही कुछ नया लेकर आते हैं और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। इस बार करीना आमिर का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ स्क्रीन भी आमिर को किया डायरेक्ट। ये कोई ऑफिशियल डायरेक्शन नहीं है, बल्कि कुछ सीन्स में आमिर को दिक्कत आ रही थी जिसमें करीना ने उन्हें डायरेक्ट किया। करीना की माने तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उनकी इमोशनल कैपेसिटी आमिर से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने आमिर को मूवी में कई बार इमोशनल सीन्स में हेल्प की है। आमिर और करीना की बेंटी से बहुत बार चीख कर रोने की आवाज़ आती थी, ऐसे में दोनों अपने इमोशनल सीन्स की प्रैक्टिस करते थे। आमिर ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि और ये भी कहा है कि उन्हें करीना के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उन्होंने करीना को एज अ एक्ट्रेस ग्रो करते देखा है और उन्हें ऐसा लगता है कि करीना की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बैठती है। बस इन्हीं कारणों की वजह से ये जोड़ी ऑन द स्क्रीन हिट हो जाती है। क्या आपको भी आमिर और करीना की ऑन स्क्रीन जोड़ी पसंद है? खान की सफलता का राज। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। आज हम बात करेंगे अगस्त 2022 में आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को 3000 स्क्रीनों पर रिलीज की जाएगी। पिछले 4-5 सालों से लाइमलाइट से दूर रहे आमिर खान अब अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा से चर्चा में बने हुए हैं। आमिर खान बॉलीवुड के हर काम को एक अलग और अनोखे तरीके से करते हैं, जिसके लिए उन्हें मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी कहा जाता है। वो हर शॉट को इतने अच्छे से फिल्माते हैं जिसके कारण उनकी मूवीज को शूट खत्म करने में काफी वक्त लग जाता है, जिसके कारण उनका डायरेक्टर से कई बार झगड़ा भी हो चुका है। कई बार वो फिल्मों में अपने अकॉर्डिंग ही फिल्म को शूट करने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बॉलीवुड में कद में छोटे पर काम में बड़े होने से मशहूर आमिर खान अभी तक के सफर में लगभग 33 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आमिर क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में बिलीव करते हैं, इसीलिए अब तक के सफर में बस इतनी ही फिल्में की हैं। 33 फिल्मों में से बस 7 मूवीज आमिर की फ्लॉप हुई हैं, और आमिर खान की खास बात यह है कि सारी फिल्मों में इन्होंने एक अलग और एक अनोखा किरदार निभाया है जो इनकी किसी भी मूवी के किरदार से रिपीट नहीं होता। आमिर के करियर का ग्राफ बुलंदियों पे है। फिल्म लगान के बाद 4 गुना स्पीड से बढ़ने लगा। लगान फिल्म 2001 में आई थी। 2001 से लेकर 2017 तक 11 फिल्मों में से 9 फिल्मों ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये वो समय था, हर कोई आमिर की मूवी देखने के लिए बस इंतजार करता था। बात करें 2008 की तो 2008 लगभग सारे एक्टर्स के लिए सबसे बुरा साल था। इस साल लगभग आई सारी मूवीज फ्लॉप साबित हुई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा की 6 फिल्में फ्लॉप हुई थीं। उस साल शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी और आमिर खान की गजनी ने बॉलीवुड में हिट फिल्मों का तिनके का सहारा साबित हुए थे। आमिर ने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म कयामत से कयामत तक से शुरू की थी, जिसमें जूही चावला उनकी को स्टार थी। इस फिल्म के गाने आज भी मशहूर हैं और इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस भी किया था। और उसके बाद उनकी फिल्में आती रहीं, पर कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुईं। उससे उभरने के लिए आमिर भी साउथ की फिल्मों के रिमेक बनाने लगे, जिससे उनका करियर पटरी पर फिर से लौट आया।
उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया और वहाँ भी सफलता मिली। अंदाज और इश्क वो मूवी हैं जिन्हें आज तक हम नहीं भूल पाए हैं। आमिर खान बॉलीवुड के लगभग हर हीरोइन के साथ काम कर चुके हैं और उनकी केमिस्ट्री सभी के साथ फिट बैठी है। पर बात करें अगर सबसे बेस्ट की तो आमिर खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी सबसे धमाकेदार साबित हुई है। वो दोनों दो बार एक साथ काम कर चुके हैं फिल्म तलाश में और गुलाम में। आमिर ने जूही से लेकर कैटरीना कैफ तक हर दौर की हीरोइन के साथ काम किया है। आमिर और सलमान की आई कॉमेडी फिल्म अंदाज में दोनों खान पहली बार एक साथ काम करते दिखे थे। इसके बाद दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। आमिर की एक खास बात यह है कि वो कभी भी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते। आमिर वैसे स्वभाव से अच्छे माने जाते हैं बट उन्हें गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है। ज़्यादातर उन्हें अपनी मन की करना बहुत पसंद है, इसीलिए शायद उनका 2 बार डाइवोर्स हो चुका है। किस चीज का डर है प्रीतम को क्यों आमिर पूरा एल्बम साथ नहीं रिलीज कर रहे? कौन सा वॉर है लाल सिंह चड्ढा में? There is only good and bad music. ये शब्द है खुद आमिर के। तो क्यों कहा आमिर ने ऐसा? क्या आमिर दे रहे हैं किसी को तसल्ली? इन सब सवालों के जवाब ढूंढ कर हम लौट आए हैं आपको एंटरटेन करने। आमिर और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा बस कुछ ही दिनों में आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले आमिर कर रहे हैं फिल्म की प्रमोशन। अब आप सबको तो पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया का दबदबा कितना है और ऐसे में लोगों के बीच हाइप क्रिएट करना कितना ज़रूरी होता है। इसलिए आजकल मूवीज़ की मार्केटिंग टीम कुछ भी एक साथ रिलीज नहीं करती। जैसे ट्रेलर से पहले एक टीज़र आता है, फुल सॉन्ग रिलीज से पहले लिरिकल वर्जन और लिरिकल से भी पहले उसका पोस्टर। जी हाँ, दर्शकों के बीच एक सस्पेंस क्रिएट करती है मार्केटिंग टीम और इसी वजह से लाल सिंह चड्ढा का तीसरा गाना फिर ना ऐसी रात आएगी का पोस्टर हो गया है रिलीज। अब ऐसे में इस गाने के सिंगर कौन है ये हमें नहीं पता। पता है तो बस एक चीज़, इसे कंपोज किया है प्रीतम ने। प्रीतम बॉलीवुड के बहुत ही जाने पहचाने म्यूजिक कंपोजर हैं। ऐसे में उनका ये गाना कैसा होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक फोटो लीक हुई थी जिसमें आमिर प्रीतम को कुछ समझा रहे थे। ऐसा बताया गया है कि प्रीतम को इस गाने को लेकर लग रहा था डर। इस गाने का म्यूजिक थोड़ा सा पुराने गानों जैसा है, वही सॉफ्ट लिरिकल ट्यून जैसा। ऐसे में प्रीतम को समझ नहीं आ रहा था कि इस ओल्ड फैशन सॉन्ग को रिलीज किया जाए या नहीं। इस पर उन्होंने आमिर से सलाह ली, जिस पर आमिर ने उन्हें समझाया, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओल्ड फैशन और न्यू फैशन, देयर इज ओनली बैड एंड गुड म्यूजिक। जिसका मतलब है कुछ नया या पुराना नहीं होता गानों में, गाना अच्छा या बुरा होता है। आमिर का मानना है कि उस सीन में इसी गाने की जरूरत है और आजकल म्यूजिक उस मोमेंट को समझा नहीं पाएगा, इसलिए वो उस फोटो में प्रीतम को तसल्ली देते हुए दिखे। प्रीतम को आमिर की बातों से राहत भी मिली और अब वो बस इस गाने के रिलीज का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आमिर अपनी मूवी को हिट कर ही मानेंगे। आमिर ने अभी तक भी पूरा एल्बम रिलीज नहीं होने दिया है, ऐसा आज कल सभी कर रहे हैं। भूलभुलैया 2 वालों ने तो स्पॉटिफाई पर पूरा एल्बम मूवी रिलीज के बाद ही निकाला था। तो ऐसे में आमिर अपनी मूवी के गाने थोड़े थोड़े दिनों में निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि मूवी के रिलीज तक सभी लाल सिंह चड्ढा की ही बातें करें। लाल सिंह चड्ढा में आमिर कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। ये तो आप सबको पता है कि इसमें आमिर एक वॉर को एक्सप्लेन करते दिखाई देंगे। अब ये वॉर होगा 1962 इंडिया चाइना वॉर या फिर 1961 इंडिया पाकिस्तान वॉर या फिर कारगिल। सोर्स की माने तो ये कहानी हो सकती है इंडिया चाइना वॉर के बारे में। इसी वॉर की शूटिंग के लिए लद्दाख में भी शूटिंग शेड्यूल किया गया था। ये वॉर कारगिल की भी हो सकती है, लेकिन सोर्स ने बताया है कि कारगिल को लेकर बहुत चर्चा ऑलरेडी पहले हो चुकी है, इसलिए मेकर्स इस कहानी में इंडिया चाइना वॉर को दिखाना चाहते हैं। आमिर ने स्क्रिप्ट राइटिंग में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन उनसे जब सलाह ली गई तो वो भी इस कहानी के लिए कन्विंस थे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चाइना वॉर दिखा पाएंगे मेकर्स, या फिर वही कारगिल की कहानी तो देखने को नहीं मिलेगी? कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर। क्यों डर गए आमिर करीना को लेके? लाल सिंह चड्ढा के सेट से एक नया वीडियो ये दिखाता है कि कैसे आमिर खान को डर था कि उनकी हीरोइन करीना कपूर फिल्म से भाग जाएगी।
फिल्म का नया गाना फिर ना ऐसी रात आएगी की रिलीज से पहले करीना कपूर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्हें गाने पर डिस्कशन करते हुए दिखाया जा रहा था। वीडियो की शुरुआत में करीना के गाने के साथ गुनगुनाने और फिर कैमरा क्रू को यह बताते हुए कि यह फिल्म का उनका फेवरेट सॉन्ग कैसे बना। वीडियो के दूसरे पार्ट में आमिर अपने लाल सिंह चड्ढा लुक में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दाढ़ी, लंबे बाल और नीली टोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वह अपना फोन इधर उधर लहराते हुए कंपोजर प्रतिमा और दूसरों को यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि यह गाना सुनकर करीना ने बोला था, दिस इज द सॉन्ग ऑफ द डिकेड, ये अब मैं उसको सुनाऊंगा तो बोलेगी ये क्या कर दिया। लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स फिल्म के प्रोमो में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने करीना कपूर के एक BTS वीडियो को शेयर किया है। वीडियो तब का है जब गाने के म्यूजिक पर काम पूरा किया जा रहा था। वीडियो में करीना फिर ना ऐसी रात आएगी को साल का सबसे बेहतरीन गाना और फिल्म का सुपर सॉन्ग भी कहते हुए नजर आ रही है। वीडियो उस समय का लगता है जब आमिर खान ने एक्ट्रेस के लिए गाना बजाया था और ऐसा लगता है कि उन्हें इस गाने से प्यार है। आमिर खान कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस गाने को सुनने के बाद करीना ने कहा कि दशक का बेस्ट सॉन्ग है, अब अगर इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनेंगी तो हमारी हीरोइन भाग जाएगी। करीना को बहुत पसंद है यह गाना, वीडियो के कैप्शन में लिखा है, आप इसे उतना ही पसंद करेंगे जितना करीना कपूर करती हैं। करीना ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया, आमिर मुझे अब भी यह गाना बहुत पसंद है। लाल सिंह चड्ढा के अंतिम दो गाने कहानी और मैं की करा ने सॉन्ग लवर्स के दिल को छू लिया है। फिल्म के मेकर्स ने सिंगर, कंपोजर, टेक्नीशियन और लिरिक्स को लाइन लाइट में रखते हुए दोनों सॉन्ग्स को बिना म्यूजिक वीडियो के जारी किया। आमिर खान प्रोडक्शन, किरण राव और वॉकॉम 18 स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर खान, मोना सिंह और चैतन्य शामिल हैं। दोस्तों, आप लोग इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और फिल्म के सॉन्ग्स क्या आपको पसंद आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत, टाटा बाय। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आमिर की लाल सिंह चड्ढा से? क्यों ये है आमिर का फेवरेट रोल? क्या होगी ये आमिर और करीना की साथ में आखिरी मूवी? आपको क्या लगता है, आमिर वापस करेंगे पावरफुल कमबैक? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दर्शकों, और क्या थग्स ऑफ हिंदुस्तान से जो आमिर ने अपने फैंस को नाराज किया है उसे ठीक कर पाएंगे आमिर? लाल सिंह चड्ढा से आमिर की होगी बड़े पर्दे पर वापसी। थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी 2018 में, जिसके बाद अब 2022 में आमिर बड़े पर्दे पर दिखेंगे। तो ऐसे में आमिर लाल सिंह चड्ढा से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आमिर के हिसाब से ये मूवी उन्हें कॉन्ट्रोवर्सीज के टेंशन से बाहर निकाल पाएगी और ये मूवी उनके फैंस के लिए उनकी तरफ से एक तोहफा होगी। जी हाँ, लाल सिंह चड्ढा से आमिर को बस एक ही चीज़ की उम्मीद है और वो है एंटरटेनमेंट की। थग्स ऑफ हिंदुस्तान से आमिर के फैंस काफ़ी नाराज हुए थे, इसीलिए आमिर इस मूवी से बहुत दिल लगाए बैठे हैं। उनके हिसाब से ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है और लोगों को लाल सिंह चड्ढा बहुत ही आम आदमी लगेगा। इसकी वजह से ऑडियंस इस कैरेक्टर को अच्छे से इंजॉय कर पाएगी। जब एक इंटरव्यू में आमिर से पूछा गया कि उनके हिसाब से मूवी हिट होगी या फ्लॉप, तो इस चीज़ पर आमिर ने ये जवाब दिया कि वो बस एक कहानी डिलीवर करना चाहते थे जो उन्होंने की और अब हिट या फ्लॉप दर्शक ही डिसाइड करेंगे। आमिर खान ने प्रमोशंस में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए उनका ये मानना है कि इंडिया के हर कोने में मूवी हाउसफुल होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्रिटिक्स से भी मूवी की वाहवाही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सच में लाल सिंह चड्ढा आमिर के करियर का सबसे फाइन परफॉर्मेंस है या फिर इतनी मेहनत के बाद भी आमिर दर्शकों को इम्प्रेस करने में हो गए हैं नाकामयाब।
लाल सिंह चड्ढा के रिजल्ट आमिर की अपकमिंग मूवीज पर भी असर डालेंगी, जिससे आमिर वाकिफ है। इसीलिए आमिर अपने साइड से मूवी को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि मूवी हिट हो ताकि उनका करियर ट्रैक पर आ सके। आमिर खान ने इंडस्ट्री को इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स करके दिखाए हैं कि ऑडियंस को उनसे हमेशा उम्मीदें रही हैं। लाल सिंह चड्ढा में आमिर एक सिख आदमी का किरदार निभा रहे हैं और ये किरदार उन्होंने अपने 30 साल के करियर में पहले कभी नहीं किया। आमिर से जब पूछा गया तो उनका यही कहना था कि ये रोल उनके दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि वो खुद को इमोशनल इंसान मानते हैं और लाल सिंह चड्ढा का रोल बहुत ही इमोशनल है। आमिर ने एक इंटरव्यू में यही बताया कि ये रोल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उन्हें काफ़ी इमोशंस दिखाने पड़े। ऑडियंस को रुला पाना बहुत मुश्किल होता है और आमिर ने दावा किया है कि मूवी इतनी इमोशनल है कि हर कोई एक ना एक बार तो आंसू बहा ही देगा। इन्हीं कारणों की वजह से ये रोल आमिर के दिल के बेहद करीब है। आमिर ने इस रोल के लिए जो मेहनत की थी वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगी और आमिर चाहते हैं कि हम सब इस रोल को और लाल सिंह चड्ढा की कहानी को खूब पसंद करेंगे। करीना और आमिर ये दोनों ही बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार्स हैं और ये सब जानते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर दो बड़ी हिट मूवीज़ दी हैं, ये हैं 3 Idiots और तलाश। आमिर और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को हमेशा से खूब पसंद आई है और इस बार भी दोनों को ट्रेलर में देखकर ऑडियंस को अच्छा ही लग रहा है। इन दोनों की जोड़ी लाल सिंह चड्ढा में भी कमाल करेगी, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या ये होगी इन दोनों की साथ में लास्ट मूवी? मूवी के प्रमोशनल इंटरव्यूज में दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा को बताया है। दोनों ने यही कहा है कि आगे अगर मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर से काम करना चाहेंगे। दोनों को फिलहाल ऐसे कोई ऑफर्स नहीं आए हैं, लेकिन दोनों को साथ काम करके ज़रूर ही मज़ा आएगा। तो अब जब करीना और आमिर की बात हो ही गई है तो हम भी होप करते हैं कि आपको भी हमारे साथ बने रहने में मज़ा आता है और हमारी चटपटी खबरें आपको एंटरटेन करती हैं। तो अगर ऐसा है तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आमिर ने टॉम हैंक्स को कैसे जा रही है स्क्रीनिंग की स्पेशल प्रिपरेशंस और करीना कपूर क्यों नहीं जा रही अमेरिका वाली स्क्रीनिंग में? When I prepare for a role, I try to get inside the character's head and understand him. तो exactly लाल सिंह चड्ढा के रोल के लिए क्या अंडरस्टैंड करना चाहते थे आमिर, और क्या इनमें किसी की मदद ली थी आमिर ने? अगर आप सोच रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं किसी मेंटर या गुरु की तो आप गलत हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने लाल सिंह चड्ढा के रोल के लिए आमिर को किया था तैयार। ये रोल कोई मामूली रोल नहीं है जिसे आसानी से किया कर लिया जाए। पहली बार एक ऑटिस्टिक मैन का रोल प्ले कर रहे हैं आमिर, जिसके लिए उन्होंने लिया था एक हॉलीवुड एक्टर का सहारा। आमिर ने लाल सिंह चड्ढा की शूट से पहले इनकी मूवी कई बार देखी। आमिर बताते हैं कि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज पर इन्होंने कामयाबी पाई वो कोई आसान काम नहीं था। उनका खुद के कैरेक्टर्स के साथ जो तालमेल था उसका 50% भी आमिर लाल सिंह चड्ढा में दिखा पाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं टॉम हैंक्स की। जी हाँ, फॉरेस्ट गम के लीड स्टार जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था, वो थे आमिर की इंस्पिरेशन। इसी के लिए आमिर ने मूवी से पहले टॉम के साथ कुछ मीटिंग्स अरेंज की थी जिसमें उन्होंने बहुत से एक्टिंग के तरीके टॉम से सीखने चाहे। वैसे तो आमिर खुद भी महान कलाकार हैं, लेकिन टॉम ने उन्हें इस रोल के लिए काफ़ी सलाह दी। आमिर की माने तो टॉम की एक खास सलाह थी, आंखों से ज़्यादा बातों से कम। ऐसी बात करनी है उन्हें दर्शकों से, ये राज था इस कैरेक्टर का। तो बस जब टॉम ने आमिर को इतनी मदद की थी तो टॉम को स्क्रीनिंग के लिए मनाना मुश्किल काम नहीं था। आमिर को बस टॉम की डेट से स्क्रीनिंग की डेट्स मैच करनी थी। आमिर ने पब्लिक में यही कहा था कि वो चाहते हैं कि टॉम लाल सिंह चड्ढा को देखकर बताएं कि उन्हें कैसी लगी ये मूवी। अगर वो उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं तो उनका 90% बोझ उतर जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली ये स्क्रीनिंग की तैयारी हो चुकी है। अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी ये स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग कोई और नहीं बल्कि आमिर पर्सनली 56 ईयर्स ओल्ड टॉम हैंक्स के लिए करेंगे।
बताया जा रहा है कि इस स्क्रीनिंग के समय सिर्फ आमिर और टॉम ही मौजूद होंगे, क्योंकि आमिर पर्सनली उनके व्यूज जानना चाहते हैं। ये स्क्रीनिंग लॉस एंजल्स में ही होंगी, जहां टॉम हैंक्स रहते हैं। आमिर डायरेक्टली वहां पर 2 दिनों के लिए जाएंगे। आमिर की माने तो वो नर्वस से ज़्यादा काफ़ी एक्साइटेड हैं। आमिर से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि लाल सिंह चड्ढा टॉम को ज़रूर पसंद आनी चाहिए, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना प्यार भी डाला है। आमिर मूवी स्क्रीनिंग के बाद क्लोज फ्रेंड्स और क्रू के साथ आफ्टर पार्टी भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें टॉम हैंक्स स्पेशल गेस्ट होंगे। आमिर इस ट्रिप को शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि वो लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के लिए इंडिया में ही रहना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इंग्लिश में डब्ड लाल सिंह चड्ढा पसंद आएगी टॉम हैंक्स को? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, और कैसा होगा टॉम हैंक्स का रिएक्शन ये भी बताएं। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग के लिए नहीं होंगी करीना। अब आप सोचेंगे कि क्या आमिर और करीना में कुछ अनबन तो नहीं हो गई? लेकिन नहीं, करीना अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दार्जिलिंग में है। उनकी अगली मूवी की शूटिंग चल रही है, जिसके चलते वो अमेरिका की स्क्रीनिंग में नहीं हो पाएंगी। हालांकि करीना ने इंडिया के सारे प्रमोशंस में होने का वादा किया है और अपनी डेट्स भी रख दी है। वो अभी डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की शूटिंग में बिजी है। तो आपको क्या लगता है, क्या लाल सिंह चड्ढा का इनफ प्रमोशन हो गया है, और क्या अब टीम अपने साइड से दे चुकी है 100% इस मूवी को? अपने कमेंट्स हमें हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और भी मजेदार और नई अपकमिंग मूवीज के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और इसी के साथ मैं सोनी काली थी आपसे टाटा। कौन सा गाना है आमिर के दिल के करीब? क्या थी करीना की फेवरेट शूटिंग लोकेशन? क्यों शाहरुख खान का रखा गया कैमियो? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो बॉलीवुड मूवीज और गानों का रिश्ता ही अलग है। अगर मूवी के गाने अच्छे होते हैं तो मूवी का 90% प्रमोशन अपने आप ही हो जाता है। आखिर म्यूजिक ही तो है जो हम सबसे कनेक्ट करता है। तो क्या लाल सिंह चड्ढा के गाने हैं अमेजिंग? क्या ऑडियंस खींची चली जाएगी थिएटर्स में सिर्फ गानों के लिए? और इन सब गानों में से कौन सा है आमिर का फेवरेट? आमिर से जब उनके प्रमोशनल इंटरव्यूज में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका फेवरेट गाना अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आमिर का मनपसंद लाल सिंह चड्ढा का गाना अभी तक दर्शकों के सामने नहीं आया है। ये गाना 24 जून 2022 को रिलीज होगा। मेकर्स ने इस सॉन्ग का पोस्टर ऑलरेडी आउट कर दिया है। पोस्टर में आमिर अपनी वर्दी में दिख रहे हैं और नीचे बैठे हैं, उनकी आंखें करीना की आंखों को देख रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। वहीं करीना ने अपना हाथ आमिर के गाल पर रखा हुआ है, जिससे उनकी आमिर के लिए परवा झलक रही है। ये पोस्टर है फिर न ऐसी रात आएगी गाने का। मेकर्स इसे जून में रिलीज करेंगे, और ये आमिर का लाल सिंह चड्ढा का फेवरेट गाना है। अभी तक इस गाने के सिंगर का तो पता नहीं चला है, लेकिन आमिर का दावा है कि ऑडियंस को ये गाना बेहद पसंद आएगा। इस गाने में आमिर ने बताया कि बहुत दर्द है, ये दर्द है अपने प्यार के साथ उस हसीन रात को बस एक बार जीने का, वो रात जो हर रोज नहीं आती, और वो रात जो हर कोई बार बार जीना चाहता है। इस गाने में प्यार की महक होगी और जुदाई का दर्द भी, इसीलिए इस गाने के इमोशंस आमिर के दिल के काफी करीब हैं। आमिर के हिसाब से ये गाना साल का सबसे बड़ा लव सॉन्ग हो सकता है। आमिर खुद भी इस गाने को बार बार सुनना पसंद करेंगे, इसीलिए ये गाना उनका फेवरेट बन गया है। देखना ये होगा कि क्या दर्शकों को भी ये गाना उतना ही पसंद आता है या नहीं। वैसे तो लाल सिंह चड्ढा 100 लोकेशंस पर शूट हुई है, लेकिन इसमें से कौन सी है करीना की फेवरेट लोकेशन? तो लाल सिंह चड्ढा के लिए करीना कपूर को बहुत सी जगह ट्रैवल करना पड़ा था, लेकिन ये एक जगह जो है करीना की फेवरेट, वहीं करीना का स्केड्यूल नहीं आया। जी हाँ, करीना की फेवरेट लोकेशन है लद्दाख। करीना को वहाँ शूटिंग करना बहुत पसंद है। इससे पहले उन्होंने आमिर के साथ ही 3 इडियट्स में पैंगोंग लेक के आसपास शूटिंग की थी, और उनका इस बार भी बहुत मन था, लेकिन उनके रोल की डिमांड वहाँ नहीं थी। लाल सिंह चड्ढा की टीम 20 दिन के शूटिंग शेड्यूल पर लद्दाख गई थी। मूवी के लिए एक वॉर का सीन वहाँ शूट होना था, इसीलिए टीम का 3 वीक्स वहाँ ही शेड्यूल था। जब करीना से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें भी वहाँ शूट करना था, बट नेक्स्ट टाइम।
आपको क्या लगता है क्या लद्दाख है सच में इतना सुंदर कि बेबो का दिल वहां है? और कौन सी होगी आमिर की फेवरेट शूटिंग लोकेशन? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। लाल सिंह चड्ढा में बॉलीवुड के फेमस हम सबके दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान का कैमियो भी है। ये कैमियो बहुत स्पेशल है जिसे खुद आमिर खान ने दिल्ली में डायरेक्ट किया है। शाहरुख खान इस कैमियो में अपनी दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि प्रोफेशनल रीजंस की वजह से दिखेंगे। शाहरुख की रेड चिलीज वीएफएक्स टीम लाल सिंह चड्ढा का पार्ट है। शाहरुख ने इसके लिए ट्वीट भी किया था कि प्राउड टू बी अ पार्ट। इसकी वजह से शाहरुख खान ने भी मूवी में कैमियो दिया है। अब उनकी टीम ने कैसे स्पेशल इफेक्ट्स दिए हैं ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे चैनल बॉलीग्लास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर करें। मूवी में दिए हैं हिंट, मोना सिंह को क्यों लिया माँ के रोल के लिए, आमिर को किसने दी तसल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्लास स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, मूवीज में किसको किस रोल के लिए लिया जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मूवीज में दमदार एक्टिंग होनी चाहिए, फिर भले ही कोई यंग एक्टर एक एजड एक्टर को प्ले ही क्यों ना करे। जी हाँ, बॉलीवुड एज देखकर रोल्स नहीं देता बल्कि रोल्स क्षमता देखकर दिए जाते हैं। लाल सिंह चड्ढा में भी कुछ यही हुआ है। आमिर खान जो कि लाल सिंह चड्ढा का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी माँ का रोल 40 साल की मोना सिंह प्ले करेंगी। अब ये रोल किसी को भी दिया जा सकता था लेकिन मोना ही क्यों? जब आमिर से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके बहुत से कारण बताए, जिसमें से सबसे पहला कारण था मोना की एक्टिंग। आमिर खान ने मोना के साथ 3 Idiots में काम किया है और उन्होंने ये कहा था कि वो मोना की एक्टिंग के फैन हो गए थे। हालांकि उस मूवी में उनका रोल इतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी एज एन एक्टर वो मोना की काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगे थे। मोना को लेने का एक और कारण ये भी था कि आमिर, करीना और मोना ने एक साथ पहले भी काम किया है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड रोल को समझने का नज़रिया काफ़ी सेम है। तो आमिर काफ़ी कंफर्टेबल थे मोना के अराउंड, इसीलिए मोना को मूवी में फाइनल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रुकिए रुकिए, मोना की तारीफ में हमारे पास एक और चीज़ है और वो ये है कि मोना एक बहुत ही खुश मिजाज एक्टर हैं। जी हाँ, तो इसी वजह से सेट पर उनके साथ काम करने में मज़े आते हैं। मेकर्स को मोना स्टबन नहीं लगती, इसीलिए उन्हें कोई भी सीन समझाते समय दिक्कत नहीं आती। आमिर को ऐसे ही सपोर्टिव आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्होंने मोना को कास्ट करने का सोचा। मूवी के ट्रेलर में तो मोना काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही हैं। देखना ये होगा कि क्या एक मिडिल एजड एक्ट्रेस को इस रोल में लेने का आमिर का डिसीजन सही था या नहीं, या फिर उन्हें ये एक्सपेरिमेंट भारी पड़ेगा। मोना सिंह भले ही सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं लाल सिंह चड्ढा में लेकिन उनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस अब कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि कैसे मोना और आमिर माँ बेटे के रोल में हमें इमोशनल करते हैं। लाल सिंह चड्ढा एक बहुत ही हिट मूवी की अडाप्टेशन है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मेकर्स इसे पार्ट ऑफ द स्टोरी के जैसे आप तक लाने का सोच रहे हैं? जी हाँ, मेकर्स ने ये कहा है कि अगर लाल सिंह चड्ढा की कहानी दर्शकों को पसंद आती है तो वो इसके सीक्वल पर काम कर सकते हैं। दरअसल मूवी के क्लाइमेक्स में एक बच्चे को दिखाया जाएगा जिसकी कहानी लाल सिंह चड्ढा जूनियर में इस्तेमाल की जा सकती है। मेकर्स ने कहा है कि लाल सिंह चड्ढा का बेटा भी उतना ही बहादुर होगा, तो क्यों ना इसे दिमाग में रखा जाए। मेकर्स इसके सीक्वल की स्टोरी तो फिलहाल नहीं ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका ये कहना है कि जब भी वो आएगी तो आमिर उसे भी प्रमोट करने ज़रूर आएंगे। इस बात पर आमिर ने भी कंफर्मेशन दी है। हालांकि उसके बाद आमिर और मेकर्स हंस दिए लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं। मेकर्स के हिसाब से ये सब कुछ मूवी के बाद की बातें हैं और वो इस समय सिर्फ मूवी को प्रमोट करने में उलझना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या लाल सिंह चड्ढा होगी सीक्वल के काबिल, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा आमिर ने लाल सिंह चड्ढा अपनी माँ को दिखाई जिसके बाद उन्हें काफ़ी खुशी हुई। सोर्सेज के हिसाब से जीनत जी जो कि आमिर की माँ हैं, उन्होंने दिया है मूवी को बिग थम्स अप। तो बस आमिर ये बात सुनकर काफ़ी खुश हैं और इस मूवी के रिलीज़ के लिए एक्साइटेड भी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने क्रू पर पूरा भरोसा है और वो ये 4 साल का मूवी इंडस्ट्री से उपवास एक सक्सेसफुल मूवी से ही खोलेंगे।
तो बस आप भी हमारे इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्लास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर लौटेंगे आपके पास एक इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें और सेफ रहें। गुड नागा चैतन्य का सपना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। तो कभी कभी इंसान अपने काम को अपनी जान से ऊपर रखता है, ऐसा ही कुछ हुआ लाल सिंह चड्ढा के सेट पर। एज ऑडियंस हमें बस ये लगता है कि मूवी में हीरो और हीरोइन एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी हालात उनके साथ नहीं होते, फिर भी दर्शकों को सही वक्त पर एंटरटेन करने के लिए एक्टर्स कुछ सैक्रिफाइसेस करते हैं। दरअसल हम यहाँ आमिर की बात कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग बहुत सी जगहों पर हुई है, जिसमें एक जगह है दिल्ली। दिल्ली में मूवी के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे, उसमें से ही एक दिन कुछ सीन शूट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रॉप्स और कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली थी। ऐसे में उस दिन सेट पर एक हादसा हो गया जिसमें आमिर ने अपनी रिब को इंजर कर लिया। ऐसे में तुरंत ही सेट पर डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने आमिर को चेक करके रेस्ट करने की सलाह दी। बट आमिर रुकने वालों में से कहाँ है यार, उन्होंने शूटिंग रुकने नहीं दी और खुद पेन किलर्स लेकर भी शूटिंग करने के लिए तैयार रहे। डॉक्टर ने उन्हें काफी मना किया, लेकिन आमिर ने सेट पर सभी को समझाया कि ये स्पेशल अरेंजमेंट्स बार बार नहीं कराए जा सकते और इसीलिए इस शूटिंग का कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद मेकर्स ने 3 घंटे के ब्रेक के बाद शूटिंग रिज्यूम कर ली थी और कास्ट उसी दिन उस सीन को रैप करने में सक्सेसफुल भी हुई। आमिर से जब पूछा गया कि उनमें इतनी हिम्मत आखिर आई कहाँ से, तब उन्होंने कहा कि वो अपने काम से प्यार करते हैं और वक्त की अहमियत भी समझते हैं। वो नहीं चाहते थे मूवी में कोई भी और डिले हो, इसीलिए उन्होंने शूटिंग रुकने नहीं दी। और तो और पूरे सीन के शूट हो जाने के बाद उन्होंने जब वो सीन देखा तो उन्हें खुद पर नाज भी हुआ। आखिर उन्होंने पेन किलर्स लेके दर्द को दबाया तो था, लेकिन उस दर्द का नतीजा अच्छा निकला। वो सीन डायरेक्टर के हिसाब से जैसा आना चाहिए था वैसा ही आया और आमिर के चेहरे पर दिख भी नहीं रहा था कि कुछ देर पहले ही उनको इतनी चोट आई थी। सच में आमिर है ही कमाल के कलाकार, बोले तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट। नागा चैतन्य की ये पहली बॉलीवुड मूवी है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या सबको ये पता है कि नागा चैतन्य मूवी में पहली चॉइस नहीं थे? जी हाँ, आमिर ने नागा चैतन्य को सजेस्ट किया था। आमिर नागा चैतन्य के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने सेट पर खूब मजे भी किए। आमिर कई बार सेट्स पर तेलुगु इंडस्ट्री की नॉलेज लेते भी दिखाई दिए थे और सोर्सेस के हिसाब से आमिर नागा चैतन्य से थोड़ी थोड़ी तेलुगु भी सीख रहे थे। ये सब सीन्स के ब्रेक में हो जाता था, जिस पर पूरा सेट हंस देता था क्योंकि आमिर बहुत ही ज़्यादा फनी लगते थे। इन शॉर्ट, सेट्स पर आमिर और नागा चैतन्य एक दूसरे को अपनी अपनी इंडस्ट्री में कैसे मूवी बनाई जाती है इसका ज्ञान बांटते दिख जाते थे और सेट्स पर इसी दोस्ती की वजह से अच्छा माहौल भी बना रहता था। नागा चैतन्य बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं। उनको तेलुगु सिनेमा के बाहर अगर कहीं काम करना था तो वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा से उनके इस सपने की शुरुआत तो हो ही गई है। अब नागा चैतन्य से जब पूछा गया तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि वो दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के साथ बॉलीवुड की मूवीज में काम करना चाहेंगे। ये दोनों ही एक्ट्रेसेस नागा चैतन्य के हिसाब से बहुत टैलेंटेड हैं और कौन ही इन दोनों के साथ स्क्रीन शेयर करना नहीं चाहेगा। वो बॉलीवुड में और भी मूवीज करने के लिए एक्साइटेड हैं और खासकर इन दो एक्ट्रेसेस के साथ काम करने के लिए। उन्हें लाल सिंह चड्ढा की पूरी टीम ही टैलेंटेड लगी और वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें ये मौका मिला। और ऐसे ही बॉलीग्राज स्टूडियोज भी खुद को खुशकिस्मत मानता है कि आप जैसे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना इस पे बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। आमिर की सबसे हिट फिल्म, आमिर खान की फिल्म दंगल को 3.70 और रणबीर कपूर की संजू को 2.80 दर्शकों ने देखा था और दोनों ही फिल्में 300 करोड़ क्लब में पहुंची थी। अगर आने वाले दिनों में आमिर की लाल सिंह चड्ढा और रणबीर की ब्रह्मास को 3 करोड़ दर्शक भी देख ले तो दोनों ही फिल्में आसानी से 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर सकती है। बड़ी बात तो यह है कि इंडस्ट्री वालों को साउथ सिनेमा की फिल्में KGF 2 और RRR
और बॉलीवुड की द कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों की बम्पर सफलता से यह समझ आ गया है कि अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो दर्शकों को सिनेमा आने से कोई नहीं रोक सकता। आमिर खान और करीना कपूर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी सिनेमा घरों में जल्द दस्तक देने वाली है। यह फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन यश स्टारर KGF चैप्टर 2 से क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म को टाल दिया था। यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध भी जम कर शुरू हो चुका है। कुछ दिनों पहले ही सुल्तानपुर के विजयथुआ धाम में हिंदूवादी संगठन ने आमिर खान के पोस्टर फोड़े। ये विरोध दर्ज करने का उनका तरीका था। साथ ही कहा गया कि IPL के फाइनल में भी इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि आमिर खान के फैंस को उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का काफ़ी जोरों शोरों से इंतज़ार है, जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर 29 मई को रिलीज हुआ था। इस दिन IPL का फाइनल भी हुआ था, जो सिनेमा और क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही खास दिन था। फिल्म लाल सिंह चड्ढा इतने तकलीफों और जनता से बचकर कैसे पार करती है 500 करोड़ का आंकड़ा, ये देखने के लिए आप सब कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। चीज़ें बनाएगी आमिर की फिल्म को फ्लॉप। परफेक्शनिस्ट आमिर खान 4 साल बाद हॉलीवुड क्लासिक फॉरेस्ट गंप के रीमेक से बड़ी वापसी कर रहे हैं। बॉलीवुड में जिसका नाम लाल सिंह चड्ढा रखा गया है, फिल्म में दूसरे कलाकार जैसे करीना कपूर, मोना सिंह और नागा चैतन्य भी शामिल हैं। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आमिर खान के अभिनय को काफ़ी ट्रोल किया गया था, क्योंकि इसने धूम 3, PK और 3 Idiots में उनके प्रदर्शन की याद दिला दी थी। फिल्म के 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और दोनों को दर्शकों से काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। साथ ही अब फिल्म का 3rd सॉन्ग भी रिलीज होने जा रहा है, जिसका रिस्पॉन्स जानने के लिए मेकर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्टेलर स्टार कास्ट, प्रतिमा का सॉन्ग, आमिर की वापसी का हाइप, बिग बजट और क्लासिक कंटेंट के बावजूद भी फिल्म दर्शकों के बीच किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी पैदा करने में फेल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म में कई सारे ऐसे कारण हैं जो फिल्म को फ्लॉप होने के खतरे में डाल सकती है। वैसे तो अगर बात करें खुद फिल्म के मेन लीड एक्टर्स की, तो आमिर खान तो हमेशा से पब्लिक के टारगेट में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर करीना कपूर खान का भी वही हाल है। भले ही दोनों एक्टर एक्टिंग में अपने फैंस का दिल जीत चुके हों, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती और बिना कुछ सोचे समझे कामों से पब्लिक के निशाने पर आ ही जाती है। करीना ने अपने बच्चों का नाम तैमूर और जहांगीर रख दिया, तब से अब तक कहीं ना कहीं उस कारण भी काफ़ी ट्रोल होते आ रही थी। फिल्म के रिलीज में अभी भी 1 महीना बाकी है और फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म के बारे में प्रचार करने के लिए बहुत ही कम कंटेंट उपलब्ध है। ट्रेलर को खराब रिस्पॉन्स के बाद भी ट्रेड्स को फिल्म से कम ओपनिंग की उम्मीद है। यह बॉलीवुड के लिए एक झटका होगा, क्योंकि इंडस्ट्री बॉलीवुड को रिवाइव करने और ट्रेडिशनल दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लाने के लिए इस फिल्म पर डिपेंडेंट था। वैसे तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें दिखाने में कामयाब रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर फिल्म तो है एक रीमेक ही, जिस कारण पहले भी जनता विरोध कर चुकी है। कहा जाता है कि फिल्म पर काम कई साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा के लिए स्टार कास्ट के चुनाव से लेकर अन्य काम में 10 साल से अधिक का समय लग गया। अतुल ने बॉलीवुड सीजन को दिए गए इंटरव्यू में कहा, इस फिल्म का सफ़र बहुत लंबा है, मैंने लगभग 10 साल पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था।
फिल्म के लिए राइट्स लेने में लगभग 7 से 8 साल लग गए थे। दोस्तों, आपको ये सारी बातें सुनने के बाद क्या लगता है कि फिल्म हो पाएगी हिट या फ्लॉप? अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कैसे मिलेगा, एक कैसा सरप्राइज। बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स अक्षय कुमार और आमिर खान जल्द ही अपने फिल्मों रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा को लेकर बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाले हैं। दोनों की फिल्मों की रिलीज डेट 11 अगस्त रख दी गई है। बता दें कि आमिर खान और करीना कपूर खान स्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म द फॉरेस्ट ग्रम के रीमेक है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इसकी रिलीज डेट का भी इंतजार किया जा रहा है। अध्यात्म चंदन के निर्देशन में बनी आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट काफ़ी पहले जारी हो गई थी। यह तारीखें जानने के बावजूद रक्षाबंधन के मेकर्स ने अपनी फिल्म का सेम डेट पर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इतना तो तय है कि इन दोनों फिल्म का क्लैश होना और एक दूसरे पर भारी पड़ना तो तय है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी कई मोस्ट अवेटेड फिल्में ऐसी हैं जिनका बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे पोनियन सेल्वन वेज विक्रम वेधा, तेजस वेज मिस्टर एंड मिसेस माही, राम सेतु वेज थैंक गॉड और गणपत वेज सर्कस। तो दोस्तों, जैसा आपने खुद ब खुद अब देख लिया है कि इस साल कितनी सारी फिल्मों का क्लैश होने जा रहा है और जिसमें ज़्यादातर अक्षय कुमार की ही फिल्में फंस रही हैं। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर इस बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, यह क्लैश नहीं है, यह दो अच्छी फिल्मों का एक साथ आना है। यह एक बड़ा दिन है, कोविड-19 के कारण कई फिल्में रिलीज नहीं हुई और कुछ अभी भी रिलीज की तारीख का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि अधिक फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेंगी। फिल्म को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच मेकर्स ने इसके तीसरे गाने का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। इसमें करीना कपूर और आमिर खान रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे। साथ ही फैंस को गाने की रिलीज डेट की जानकारी भी दे दी गई है और सवाल भी किया गया है कि अंदाजा लगाएं कि इसे किसने गाया है। इस गाने को दर्शक 24 जून को देख सकेंगे। वही फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में आ रही है। इससे पहले आमिर खान स्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा के दो और गाने रिलीज किए जा चुके हैं और सुनने वालों ने इसको पसंद भी किया है। सो गाइज, इन द एंड और भी सारे अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कैसे मिलेगा। रिमेक्स में काम कर चुके हैं आमिर, क्या कहता है आमिर का रिमेक्स के हिट होने का रिकॉर्ड? कितनी है लाल सिंह चड्ढा के हिट होने की गुंजाइश? So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Bollygrad Studios। और आज की latest news जुड़ी है बॉलीवुड की upcoming फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर खान नजर आएंगी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक है। वही सबका कहना था कि आमिर पहली बार किसी रीमेक में काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आमिर के करियर की 12 फिल्में ऐसी रही हैं जो हॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक ऑलरेडी है और सभी हिट लिस्ट में शामिल है और लाल सिंह चड्ढा भी लिस्ट में शामिल होगी। और वैसे ह्यूमरस और उड़ती उड़ती खबरें बता रही हैं कि फिल्म सुपर हिट रहने वाली है, जो आमिर खान के हॉलीवुड हिंदी रीमेक्स की लिस्ट भी बता रही है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कभी भी हिंदी रीमेक में चूके नहीं है। तो अब मिस्टर खान की वो फिल्में हम आपको बताने जा रहे हैं जो हिंदी में बनाई गई थी रीमेक। तो इसमें सबसे पहले आमिर खान की फिल्म हम है राही प्यार के साल 1993 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म हाउस बोट की रीमेक थी। इसके बाद आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर 1992 में रिलीज हुई थी और फिल्म हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे की रीमेक थी।
फिर साल 1991 में रिलीज हुई मिस्टर खान की फिल्म दिल है कि मानता नहीं हॉलीवुड फिल्म इट डिपेंड वन नाइट रीमेक थी, और वही आमिर खान की फिल्म अकेले तुम अकेले हम हॉलीवुड फिल्म क्रेमर बनाम क्रेमर की रीमेक थी। इसके बाद इनकी फिल्म आतंक ही आतंक भी साल 1994 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर की रीमेक थी। फिर गुलाम साल 1998 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म ऑन द वॉटर फ्रंट की रीमेक थी। तो उसके बाद साल 2006 में आई आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती हॉलीवुड फिल्म ऑल माय सन्स की रीमेक थी। साथ ही 1998 में रिलीज होने वाली इनकी फिल्म मन भी हॉलीवुड फिल्म एन अफेयर टू रिमेम्बर की रीमेक थी। फिर आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म आई ऑफ द नीडल और कोरियोकाई फिल्म शेरी की रीमेक थी। और वही 2008 की आमिर खान की फिल्म गजनी हॉलीवुड फिल्म मेमेंटो की रीमेक थी। इसके बाद आमिर खान की धूम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानी कि धूम 3 साल 2013 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म द प्रेस्टीज की रीमेक थी। और इन सभी फिल्मों में आमिर खान लीड रोल्स में थे और सभी फिल्में हिट रही। इसको देखते हुए आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के हिट होने के काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहे, सेफ रहे, बने रहे हमारे साथ। देखिए आमिर ने माय नेम इज खान क्या थी फेदर चैलेंज के पीछे की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। तो बॉलीग्राड स्टूडियोज भी ना टाइम टू टाइम आ ही जाता है कुछ ना कुछ नई खबरें लेकर। इस बार ये खबर आई है लाल सिंह चड्ढा के सेट से। इससे पहले कि हम आपको ये खबरें बताएं, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं इन खबरों पर। सबसे पहले आमिर खान अपने कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उनके हिसाब से वो खुद को भुलाकर कैरेक्टर में बदल जाते हैं, फिर चाहे फिजिकली हो या मेंटली। तो लाल सिंह चड्ढा के लिए भी उनकी यही स्ट्रैटेजी रही थी। उन्हें पता था कि उनका मूवी में एक ऑटिस्टिक मैन का रोल होगा जिसके लिए उन्होंने काफी प्रिपरेशंस की हैं। सबसे पहले तो आमिर ने फॉरेस्ट गंप खुद 5 बार देखी ताकि वो कैरेक्टर को समझ पाए। जी 5 बार। उनका मानना है कि जिस मूवी का रीमेक हो रहा है उसी मूवी को बार बार देखने से आप उस कैरेक्टर से इमोशनली जुड़ते हो, इसीलिए फॉरेस्ट गंप को इतनी बार देखना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद उनका मास्टर स्ट्रोक था माय नेम इज खान, उन्होंने उसको बार बार देखा। जी हाँ, एक खान ने देखी दूसरे खान की मूवी बार बार लगातार। दरअसल 2010 में आई शाहरुख खान और काजोल स्टारर माय नेम इज खान थी एक हिट मूवी और इसका श्रेय जाता है शाहरुख खान की ब्रिलियंट एक्टिंग को। शाहरुख खान उस मूवी में एक ऑटिस्टिक मैन का किरदार निभाते हुए दिखे थे। उनकी एक्टिंग ने बड़े पर्दे पर कमाल और धमाल मचाया था। शाहरुख खान को उस साल बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड्स भी मिले थे, चाहे फिल्म फेयर हो, जी सिने अवार्ड्स हो, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हो या फिर आईफा, सभी जगह शाहरुख खान और पूरी टीम को बहुत से अवार्ड मिले। इसीलिए आमिर उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर माय नेम इज खान को बार बार देख रहे थे। आमिर को लाल सिंह चड्ढा में बिल्कुल ऑथेंटिक एक्टिंग चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी मूवी को लूप पर देखने का सोचा जो कि ऑलरेडी ऑडियंस ने पसंद की है और हिट भी करी है। अब आमिर का मानना है कि उन्होंने अपने साइड से जो हो सकता था, जितनी मेहनत हो सकती थी उन्होंने की। अब जनता पर निर्भर करता है कि क्या उन्हें भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना माय नेम इज खान के लिए शाहरुख को मिला था। आमिर ने सोशल मीडिया की पावर समझ ली है, उन्हें पता है मार्केटिंग कैसे करनी है और ये उन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया है, जिसके बाद उन्हें आया एक इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने कुछ टेक एक्सपर्ट्स को हायर करके इंस्टाग्राम पर लाल सिंह चड्ढा का फिल्टर बनवाया। आमिर को पता है कि आजकल मेजॉरिटी ऑडियंस फिल्टर्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि ये उनके लिए फन होता है, तो क्यों ना इससे ही मूवी को प्रमोट किया जाए। उन्होंने इसे फेदर चैलेंज के हैशटैग से फेमस किया, जिसमें एक फेदर लोगों की नाक पर उड़ते हुए आएगा और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन को कलरफुल कर देगा। जब उनसे इसके पीछे का लॉजिक पूछा गया तो आप सोच भी नहीं सकते उनका क्या जवाब था।
आमिर ने इसे अपनी मूवी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बताया। उनके हिसाब से मूवी पास्ट और प्रेजेंट में डील करेगी। तो जैसे पास्ट में सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और अब सब कलरफुल, तो ये फिल्टर भी इसे ही डिपिक्ट करता है। इन शॉर्ट, फिल्टर मूवी का ओवरव्यू दे रहा था। ये फिल्टर बहुत से स्टार्स जैसे करीना कपूर, नीतू कपूर, रणबीर कपूर ने यूज किया और इसे वायरल कर दिया। मूवी के एक्चुअल ट्रेलर रिलीज से पहले ही ये प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। आमिर का ये ब्रिलियंट प्लान था और ये गलत भी नहीं था, क्योंकि मूवी का नाम बहुत से होठों पर आ गया और मूवी को बहुत पहले से पब्लिसिटी मिलने लगी। सच में आमिर के तरीके और आइडियाज बहुत ही हद के होते हैं। वो मूवी में हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और दर्शकों का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। जैसे आमिर आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही हम भी आपको एंटरटेन करने के लिए कहीं से भी खबरें ला सकते हैं। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी किया था फेदर चैलेंज। तो हुई मूवी डिले, किसका डेब्यू है मूवी में, क्या है विजन? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडीगार्ड स्टूडियोज, मैं हूं निधि यादव। लाला सिंह चड्ढा ज्यादा दिन आपसे और हमसे दूर नहीं है। मूवी इसी साल 2022 में अगस्त में रिलीज होने वाली है, लेकिन ये इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है। मूवी ओरिजिनली क्रिसमस 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से डिले हो गई। कोविड लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सी मूवी लोकेशंस को लेकर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गई थी। लाला सिंह चड्ढा 100 लोकेशंस पर शूट हुई है, तो ऐसे में लॉकडाउन के समय बहुत सी जगहों की परमिशन लॉकडाउन खुलने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से मूवी को बहुत डिले करना पड़ा था। इसके अलावा आमिर खान को खुद को ही कोविड हो गया था, जिसके चलते वो महीनों तक शूटिंग ही नहीं कर पाए थे, जो कि एक और वजह थी जिसके लिए मूवी डिले पर डिले होती रही। मूवी की शूटिंग के समय सभी की हेल्थ की जिम्मेदारी डायरेक्टर की थी, इसीलिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में शूटिंग करनी पड़ रही थी। इसके अलावा मूवी की शूटिंग के समय करीना कपूर खान, जो मूवी की लीड हीरोइन है, वो अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी थी, तो इसी वजह से उनका भी खास ध्यान रखा जा रहा था ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अब इतने हर्डल्स जब आए थे तो मूवी का डिले होना तो बनता ही था। मूवी की शूटिंग में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मेकर्स का दावा है कि मूवी देखकर ऑडियंस को मज़ा आएगा और वो इसे थिएटर के बाहर निकलकर बहुत सराहेंगे। मूवी में दो जनों का डेब्यू भी है। पहले हैं अतुल कुलकर्णी जी एज ए राइटर और दूसरे हैं सुपरस्टार नागार्जुना के बेटे नागचैतन्य। नागचैतन्य की ये पहली बॉलीवुड मूवी है और इसमें उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। ये रोल पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन सके। इसके बाद आमिर खान और डायरेक्टर अद्वैत चंदन को ज़रा भी टाइम नहीं लगा नागचैतन्य को कास्ट करने में। उनका रोल काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। उनके सारे फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। अतुल कुलकर्णी ने भी एज अ राइटर डेब्यू किया है, तो देखना ये होगा कि क्या उनका एडाप्टेशन फॉरेस्ट गम का इंडियन ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं, और क्या उनकी राइटिंग में इतना दम है कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। मूवी को जब इतना टाइम लगा है और इतनी मेहनत से इसे 100 लोकेशंस पर शूट किया गया है, ट्रेलर लॉन्च आईपीएल के फिनाले में कराया गया है, तो आमिर ने काफ़ी होप्स हाई कर रखी हैं। वो अपने फैंस को नाराज नहीं करना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि उनकी मूवी हिट साबित हो। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बॉलीगार्ड स्टूडियोज़ के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। कौन करेगा फिल्म को वर्ल्ड वाइड प्रमोट? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म लाला सिंह चड्ढा के बारे में। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाला सिंह चड्ढा, जिसे इंडिया में तो ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स ही मिला है। चाहे फिल्म का ट्रेलर हो या फिल्म के दो सॉन्ग्स कहानी और मैकी करा, इनमें से कुछ भी ऑडियंस को फुली इम्प्रेस नहीं कर पाया है। पहले माना जा रहा था कि कोविड के बाद ही फिल्म एक बार फिर थिएटर्स को जिंदा करने का काम करेगी, पर अभी तक ऑडियंस को इस फिल्म से जुड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी है जिससे वो इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हों। जहां एक तरफ इंडियन ऑडियंस को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड इस फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लोग आमिर खान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वो इससे काफ़ी इंप्रेस होते दिख रहे हैं। इसके अलावा पैरामाउंट पिक्चर्स भी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें कि इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड सेलिंग की जिम्मेदारी पैरामाउंट पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस के पास है, इसी कारण वो इस फिल्म को जमकर प्रमोट कर रहा है और लोग इससे काफ़ी इम्प्रेस होते भी दिख रहे हैं।
अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आमिर खान की फिल्म को इंडियन ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है या फॉरेन ऑडियंस। क्या पता आमिर खान ने अभी और भी कुछ छुपा रखा हो जो आने वाले टाइम में वो रिवील करके सबको शॉक कर डाले। फिल्म लास्ट इंचड्डा एक कॉमेडी ड्रामा होगी जिसका निर्देशन अजय चंदन ने किया है। प्रोड्यूसर है वाई कॉमेडी स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह शामिल हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। जैसा भी होगा हम आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीवुड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या कहा नागा चैतन्य ने आमिर खान के बारे में? क्यों हुए फैंस आमिर खान से डिसअपॉइंट? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निधि यादव। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिसका हाल फिलहाल में ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर ने आमिर खान के लिए एक इमोशनल लेटर लिख अपनी फीलिंग्स जाहिर की। वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी इस फिल्म को अपने लिए स्पेशल बताया है। और अब फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य ने भी अपनी फीलिंग्स को बयां किया है। एक इंटरव्यू में नागा चैतन्य ने आमिर खान के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि ये बात तो तय है कि पिछले 12 साल में मैंने जो कुछ सीखा है 45 डेज में उन्होंने मुझे उससे कहीं ज़्यादा सिखाया है। उनके पास ये मैजिक है कि वो बिना कोशिश करे भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आगे सुपरस्टार के बारे में बताते हुए नागा चैतन्य ने कहा कि सबसे पहले वो एक एक्टर हैं, पर एक्टिंग के साथ साथ वो क्राफ्ट से भी जुड़े हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। वो हमेशा कंटेंट की बात करते हैं और उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सुपरस्टार कभी भी बॉक्स ऑफिस और पैकेजिंग की बात नहीं करते हैं। ये सब अंत में आता है, लेकिन जब वो एक फिल्म बना रहे हैं तो वो सिर्फ गुड कंटेंट पर ही फोकस करते हैं और हमेशा वो इस पर खरे उतरते हैं। सुपरस्टार आमिर खान को अपने को स्टार्स, डायरेक्टर्स और फैंस से काफ़ी प्रेज मिल रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर के लिए काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स इस ट्रेलर से डिसअपॉइंट भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि सुपरस्टार का पंजाबी एक्सेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा उनकी कई फिल्म्स जैसे कि धूम 3, पीके और 3 इडियट्स में उनका सेम पॉप डाई एक्सप्रेशन देखकर लोग बोर हो चुके हैं। कुछ लोग इस बात से नाखुश थे कि आमिर खान ने 5 साल बाद एक रीमेक से कमबैक किया है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन की कॉपी है। अब देखना होगा कि फिल्म आमिर खान के लिए लकी साबित होती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीवुड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करीना ने फिल्म को ना देखने की सलाह। कौन था फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही थी, पर ट्रेलर रिलीज के बाद ही काफी धीमी होती दिख रही है। इस ट्रेलर को ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। लग रहा है कि आमिर खान भी फिल्म की तरफ ऑडियंस के रिप्लाई को देखकर थोड़ा घबरा गए हैं और वो चिंता में पड़ गए हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों के मन में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बन सके। जहां एक तरफ इस फिल्म के लिए आमिर खान इतना सोच रहे हैं, वहीं फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इसे डुबाने में लगी हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने कहा था कि आप लोग मेरी फिल्म को देखने क्यों जाते हो, मत जाया करो। आइए बताते हैं आपको करीना के इस बयान की फुल स्टोरी। दरअसल जब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के कारण सभी लोग नेपोटिज्म को इसका रीजन मान रहे थे और जो लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे थे, तब करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप लोग मेरी फिल्म्स को देखने मत जाया करो। तब तो कोविड था, उस टाइम सदाकारा की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली थी, पर अब जल्दी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है जिसमें ये एक्ट्रेस मेन रोल में नजर आएंगी। इसी कारण ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और एक बार फिर करीना ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि करीना कपूर खान के इस बयान से फिल्म मेकर्स और आमिर खान को कितना भारी नुकसान होता है। ये तो हुई फिल्म के लॉस की बात, पर इस फिल्म से जुड़ी एक और खास बात है जो आपको शायद ही पता होगी, और वो ये है कि साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि पहले फिल्म मेकर्स इस फिल्म के लिए विजय सेतुपति को कास्ट करना चाहते थे, पर वेट इश्यूज के चलते इस एक्टर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिस कारण ये फिल्म साउथ मेगा स्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य की झोली में आ गिरी। जल्द ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आपको एंटरटेन करने के लिए रिलीज होगी। कौन सा फिल्म मेकर है आमिर खान के कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड, किसके रिएक्शन के लिए बेताब है मिस्टर खान? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में।
आमिर खान की फिल्म जो किसी न किसी कारण छा ही रहती है, अब उस फिल्म के न्यूज़ में आने की वजह है फिल्म मेकर संजय गुप्ता। फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने आमिर खान की फिल्म लास्ट इन चड्डा फिल्म की एक पिक शेयर की, जिसमें वो चलती ट्रेन में दिख रहे हैं और उनके हाथ में गोलगप्पा दिख रहा है। और नीचे ट्वीट करते हुए इस फिल्म मेकर ने लिखा कि इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड होने का मेरा एक ये कारण भी है कि चलती ट्रेन में गोलगप्पे कौन बेच रहा है। उनके इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने इस पर रिप्लाई किया। एक यूजर ने IRCTC का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लंबी सफर की ट्रेन के लिए गोलगप्पे और चाट की सुविधा मिलने की इन्फॉर्मेशन थी। वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि कई दुकानों पर रेडीमेड गोलगप्पे भी मिल जाते हैं। ऐसे कई मजेदार कमेंट से लोग इस डायरेक्टर को ही ट्रोल करने लगे। आपको बता दें कि फिल्म मेकर संजय गुप्ता मुंबई सागा और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी शानदार फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे रिएक्शन कई लोग देते दिख रहे हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी और कभी ऑडियंस। पर आमिर खान सिर्फ एक ही इंसान के रिएक्शन के लिए बेताब हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि टॉम हैंक्स हैं। फिल्म लास्ट इन चड्डा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होगी, जिसमें टॉम हैंक्स अहम भूमिका निभाते नजर आए थे। और ये सुपरस्टार कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो टॉम हैंक्स को अपनी ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। हाल फिलहाल में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो रैंचो चाहते थे कि टॉम हैंक्स इसे देखें और इस पर अपना रिएक्शन दें। अब देखना होगा कि टॉम हैंक्स फिल्म को ट्रेलर को देखते हैं कि नहीं, और क्या होता है इस पर उनका रिएक्शन। फिल्म लास्ट इन चड्डा की बात करें तो ये कॉमेडी ड्रामा होगी, जिसका निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है। प्रोड्यूसर है वाई कॉमेडी स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी की लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह शामिल हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। जैसा भी होगा, हम आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीकास्ट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कौन कौन सी फिल्म में आमिर खान ने कॉपी किया है हॉलीवुड फिल्म्स को? कितने व्यूज क्रॉस किए ट्रेलर ने 24 आवर्स में? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकास्ट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। सुपरस्टार आमिर खान बॉलीवुड के उन चहेते सितारों में से एक है जो अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। समय समय पर सुपरस्टार ने अपनी सुपरहिट फिल्म देकर हमें खूब एंटरटेन किया है। जल्द ही सुपरस्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं, जो कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होगी। हाल फिलहाल में इस ट्रेलर को 29 अप्रैल यानी IPL के फिनाले वाले दिन रिलीज किया गया। कुछ लोग इस ट्रेलर को देखकर उनसे इम्प्रेस होते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ लोग उनसे नाराज दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि आमिर खान हॉलीवुड से हेट करते हैं, शायद तभी वो अपनी फिल्म्स में हॉलीवुड का यूज करके उन्हें खराब कर रहे हैं, और ये ब्लंडर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल ये सुपरस्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा के अलावा अपने कुछ और फिल्म्स में भी हॉलीवुड की कॉपी कर चुके हैं, जैसे कि फिल्म धूम द प्रेस्टीज की कॉपी थी, फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान द पायरेट्स की, और फिल्म गजनी मेमेंटो की। ये हम में से किसी से छुपा नहीं है कि फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ था, पर फिल्म धूम 3 और गजनी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। अब देखना होगा कि सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा ये धमाल मचा पाती है या नहीं। इस फिल्म के ट्रेलर ने 24 आवर्स में 62 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी और लोगों को कोविड के बाद सिनेमा हॉल की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगी। अब ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है इस फिल्म का हाल। फिल्म लाल सिंह चड्ढा का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है, जिसमें आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीकास्ट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिल्म की स्टोरी से जुड़ा सस्पेंस क्या क्या दिखेगा फिल्म में? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकास्ट स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, पर रिलीज से पहले इस फिल्म की स्टोरी ने लोगों के मन में काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल्म हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक होगी, इसी कारण लोग इस फिल्म की स्टोरी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। फॉरेस्ट गंप में अमेरिकन हिस्ट्री से जुड़े इंसिडेंट्स को दिखाया गया था, इसीलिए माना जा रहा है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा को इंडियन वर्जन में बनाने के लिए इसमें इंडियन हिस्ट्री से जुड़े इंसिडेंट्स को दिखाया जाएगा। पर कौन कौन से होंगे वो इंसिडेंट्स, क्या आप गेस कर सकते हैं? चलिए छोड़िए, हम बताते हैं आपको। कुछ समय पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में 1992 में हुए बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की घटनाओं को दिखाया जाएगा। जैसे ही खबर आई थी, लोगों के मन में फिल्म के लिए भारी आक्रोश देखा गया था। अब वो टॉपिक है ही इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर अब इस फिल्म की स्टोरी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि फिल्म 1984 में हुए सिख दंगों पर आधारित होगी।
जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हत्या कर दी थी, जिस कारण सिख विरोधी दंगों की वजह से पूरा भारत टूट गया था। उन्हीं घटनाओं को ये फिल्म दर्शाएगी। इससे पहले फिल्म की स्टोरी से जुड़ी एक और खबर सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इस फिल्म में पिछले कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन कंट्रोवर्सी और 2014 में मोदी सरकार के गठन से जुड़ी बातों को दिखाया जाएगा। अब ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी। क्या पता ये फिल्म इन सभी स्टोरीज का मिक्सचर हो या इनमें से किसी एक टॉपिक को इस फिल्म में हाईलाइट किया जाए। पर स्टोरी कुछ भी हो, पक्का ऑडियंस को काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स ऑडियंस के लिए बिग स्क्रीन पर देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा भी होगा हम आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीकैट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या रहा केआरके का फिल्म पर रिएक्शन? किसने किया आमिर खान को चैलेंज? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म लास्ट इंटरडे पर केआरके के रिएक्शन की। केआरके यानी कमाल राशिद खान, जो बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोल करने और अपने नेगेटिव कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, फिल्म लास्ट इंटरडे का ट्रेलर रिलीज होते ही उन्होंने इस पर भी अपने व्यूज दिए। ट्रेलर रिलीज होते ही केआरके ने लगातार इस पर कई ट्वीट्स की। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, बुढ़ा आमिर खान और बुढ़ी करीना कपूर खान फिल्म लास्ट इंटरडे में कैसे 18 साल की उम्र का किरदार निभा सकते हैं? आमिर खान को ये मजाक करने से पहले याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे शादी लायक हो गए हैं, उन्हें ऐसे रोल करने में शर्म आनी चाहिए, लोग इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा कि मैं आमिर खान को चैलेंज करता हूँ कि अगर उनकी ये फिल्म हिट हुई तो मैं फिल्म रिव्यू करना छोड़ दूंगा, पर अगर ये डिजास्टर साबित हुई तो उन्हें एक्टिंग करना छोड़ना पड़ेगा। अगर बॉलीवुड में से कोई और भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता है तो भी ठीक है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सबसे वाहियात फिल्म की तुलना में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो मुगले आजम है। केआरके यहीं नहीं रुके, यहाँ तक कि उन्होंने आमिर खान की फिल्म को ट्यूबलाइट 2 तक कह डाला। केआरके के इन ट्वीट्स पर लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए। एक यूजर ने लिखा, कभी तो अच्छा बोल लिया करो, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप भी तो बुढ़े हो, हम भी तो आपकी ट्वीट्स झेलते हैं। अब केआरके का तो काम ही है बॉलीवुड स्टार्स को ट्रॉल करना। अब देखना होगा कि क्या होता है इस पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट का रिएक्शन। आमिर खान के इस ट्रेलर को ऑडियंस का मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रॉल करते दिखे। फिल्म लास्ट इंटरडे की बात करें तो ये 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक होगी, जिसका निर्देशन अजय चंदन ने किया है। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्य शामिल हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीकैट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कौन सा डायलॉग बना ब्रांड्स और मीमर्स का मेन मटेरियल? क्या है फिल्म का एज कास्टिंग इशू? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे फिल्म लास्ट इंटरडे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फिल्म लास्ट इंटरडे जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही है, इस फिल्म ने साल की शुरुआत से ही काफी बस क्रिएट कर रखा है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज किया गया। ट्रेलर तो व्यूअर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उन्हें इस ट्रेलर से भर भर के मीम मटेरियल जरूर मिल गया। पहले आमिर और करीना कपूर खान का 18 साल की उम्र का किरदार निभाना, फिर मिस्टर खान का सेम पॉप डाई एक्सप्रेशन जो उनकी पिछली कई फिल्मों में देखने को मिल रहा है, और अब इस फिल्म का एक और डायलॉग भी मीमर्स और यहाँ तक की ब्रांड्स के लिए भी मीम मटेरियल का काम कर रहा है। आप सबने ट्रेलर में ये डायलॉग तो सुना ही होगा। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जाए मन नहीं भरता। इसी डायलॉग पर जमकर मीम्स बन रहे हैं और ये सबको खूब पसंद भी आ रहे हैं। अब किसी न किसी तरीके से मिस्टर खान की फिल्म सुर्खियां बटोर ही रही है, तो देखना होगा कि डांसर को इन सब से कोई फायदा होता है कि नहीं। कुछ व्यूअर्स फिल्म मेकर से नाराज दिखे। व्यूअर्स मोना सिंह को फिल्म में आमिर खान की मां का रोल करने में सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मोना सिंह इस सुपरस्टार से 17 साल छोटी हैं, वो उन्हें विग और मेकअप लगाकर कैसे मां का रोल करवा सकते हैं। उनका कहना है कि मोना सिंह को लेने के बजाय आप किसी ओल्ड एक्ट्रेस को भी तो ले सकते थे। अब देखना होगा कि क्या होता है पर फिल्म मेकर्स का रिएक्शन। जैसा भी होगा हम आपको इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिल्म लास्ट इंटरडे की बात करें तो इसका डायरेक्शन अजय चंदन ने किया है। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह शामिल हैं।
ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है आपकी व्यूज फिल्म में एज कास्टिंग इशू पर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीगार्ड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या था आमिर खान का प्यार में ठुकराए जाने पर रिएक्शन? क्या है स्टार्स का ट्रेलर पर रिएक्शन? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडीगार्ड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे फिल्म लाल सिंह चड्ढा और उससे जुड़ी लेटेस्ट खबरों के बारे में। हाल फिलहाल में फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज हुआ है। आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा इंडियन हिस्ट्री में हुई घटनाओं को कवर करते हुए ऑडियंस को एक इमोशनल जर्नी पर ले जाती है। ट्रेलर रिलीज होते ही कई सुपरस्टार्स जैसे कि प्रीति ज़िंटा, नेहा धूपिया, ज़ोया अख्तर, करिश्मा कपूर, पुनीत मल्होत्रा और सबा अली खान भी अपना प्यार बरसाते दिखे। ये शानदार ट्रेलर सबको खूब पसंद आ रहा है, पर इस ट्रेलर में कुछ ऐसा भी है जो आमिर खान की पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक चीज दिखाता है, और वो है आमिर खान का प्यार में ठुकराए जाना। जैसा कि आप सब ने ट्रेलर में देखा होगा कि जब लाल सिंह चड्ढा करीना को प्रपोज करते हैं तो वो ये कहकर कि मुझे तुम अच्छे तो लगते हो पर हमारा कुछ नहीं हो सकता बोलकर उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती हैं। ठीक वैसा ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी हुआ था। इस सुपरस्टार की फिल्म होली को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने अपना हेड शेव करा लिया था। सबको लगा कि उनका ये फिल्म में लुक होगा, पर असल में उन्होंने ये प्यार में रिजेक्ट होने के बाद किया था। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपने प्यार को खोया था। मेरा मतलब है कि एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो उसी के रिएक्शन पर मैंने ये बचकानी हरकत कर डाली। उसी इंटरव्यू में सुपरस्टार ने बताया कि एक बार उन्होंने अपनी एक्स वाइफ रीना दत्ता के लिए भी अपने खून से एक लव लेटर लिखा था, पर फिर रीना दत्ता ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर उन्हें बाद में इसका रियलाइजेशन भी हो गया था। इसी कारण सुपरस्टार को आजकल इंटेंस लवर और हेड शेव आशिक कहा जा रहा है। जल्दी सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को थिएटर्स में आपको एंटरटेन करने के लिए रिलीज होगी, जिसका निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है। प्रोड्यूसर हैं वाई कॉमेडी स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीवुड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या है आमिर खान का फिल्म को लेके न्यू प्लान? किसके फैंस हुए नाराज? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही थी, क्या पड़ गई ठंडी? जी हाँ, 5 साल बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान के कमबैक से उनके फैंस काफी खुश थे और सब यही मान रहे थे कि सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जिस तरीके से सुपरस्टार ने अपनी फिल्म का अनोखा प्रमोशन किया था, उससे भी काफ़ी बस बना हुआ था। फिल्म के 2 सॉन्ग्स कहानी और मैं की करा तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आए थे। इसके अलावा उनका पॉडकास्ट वाला आइडिया भी काफ़ी हटके था, जिसके बाद इस सुपरस्टार ने डिफरेंट अंदाज में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए IPL के फिनाले वाले दिन इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसे ऑडियंस का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ इसे पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ रांचों को जमकर ट्रॉल करते दिखे। ये ट्रेलर ऑडियंस को कुछ खास रास नहीं आ रहा है, इसी कारण आमिर खान अपनी फिल्म के लिए न्यू स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये सुपरस्टार अपनी फिल्म का एक और ट्रेलर लॉन्च करेंगे जो फिल्म रिलीज के आसपास लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भी ये सुपरस्टार म्यूजिक वीडियोस और कई मिनी वीडियोस के साथ साथ पॉडकास्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, ताकि लोगों के मन में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बनी रहे। इस सब के अलावा कोई और भी है जो फिल्म के ट्रेलर से नाराज है, और वो है साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य के फैंस। उनके फैंस उन्हें ट्रेलर में कम स्क्रीन टाइम मिलने की वजह से नाराज हैं। फैंस का कहना है कि इस फिल्म से नागा चैतन्य अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, पर फिर भी ट्रेलर में उनके सिर्फ 3 या 4 शॉट्स दिखाए गए हैं। इसी कारण नागा चैतन्य के फैंस फिल्म मेकर से नाराज दिख रहे हैं, और इन फैंस का नाराज होना फिल्म मेकर्स के लिए भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि नागा चैतन्य का साउथ इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम और फैन फॉलोइंग है। इसी कारण साउथ के लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर अब हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि शायद नागा चैतन्य का इस फिल्म में छोटा सा साइड रोल है, जिस कारण वो फिल्म को ना देखें। अब देखना होगा कि कैसे फिल्म मेकर्स इस दुविधा को सुलझाते हैं। जैसा भी होगा हम आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीवुड स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसने दिया आमिर खान की फिल्म को अप्रूवल? कहां बना आमिर खान का मजाक? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा काफी सुर्खियां बटोर रही है। पहला कारण है इस फिल्म में आमिर खान जैसे सुपरस्टार का होना, और दूसरा कारण है इस फिल्म का
हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होना। हाल फिलहाल में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ जिससे ऑडियंस का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर कई स्टार्स इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अब उन स्टार्स में एक और नाम शामिल हो गया है और वो कोई और नहीं बल्कि लेजेंड माने जाने वाले सुपरस्टार डायरेक्टर SS राजामौली हैं, जो हर बार अपनी शानदार फिल्म से फैंस को जीतने में सफल होते हैं। SS राजामौली ने ट्वीट कर लिखा, आमिर खान 4 साल बाद एक सोलफुल फिल्म से कमबैक कर रहे हैं। मुझे ये ट्रेलर काफी पसंद आया है। मैं सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म को देखने का और वेट नहीं कर सकता। पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इस सुपरस्टार की धमाकेदार फिल्म RRR रिलीज हुई थी, तब आमिर खान इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे थे और वो स्टार्स के साथ डांस करते हुए भी नजर आए थे। तो हो सकता है कि इस बार SS राजामौली आमिर खान की इस फिल्म को प्रमोट करते दिखें। तारीफों के अलावा आमिर खान ट्विटर पर मजाक बनते भी दिख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने आमिर खान की फोटोज को फोटोशॉप करते हुए नीचे ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आने वाले टाइम में यानी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान खराब कर सकते हैं। और जिन फिल्म के कैरेक्टर्स को फोटोशॉप किया था वो है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द डार्क नाइट, प्रेस्टीज, पल्प फिक्शन और द मैट्रिक्स। ट्रेलर न सही पर लोगों को ये फोटोज काफी पसंद आ रही है। इस ट्वीट को 11K लाइक्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या वायरल होता है। जैसा भी होगा हम आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बॉलीकैट स्टूडियोज को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आमिर खान की कमेंट्री पर व्यूअर्स का रिएक्शन, क्या है ट्रेलर से जुड़े नेगेटिव पॉइंट्स? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीकैट स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का शानदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे अभी तक ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्रेलर को IPL के फिनाले वाले दिन रिलीज करने का मिस्टर खान का आइडिया फायदेमंद साबित हुआ है। 2022 के धमाकेदार IPL फिनाले में आमिर खान कमेंट्री करते भी नजर आए। इस सुपरस्टार की कमेंट्री पर उन्हें काफी ट्रॉल किया जा रहा है। मैच के दौरान ये सुपरस्टार कई ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करते नजर आए जिसे सुनकर ऑडियंस भी हैरान रह गई। उनकी हिंदी सुनने के बाद लोगों ने अलग अलग मीम बनाए जो कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड होने लगे। वहीं कुछ लोगों ने सुपरस्टार के मैच से ज्यादा फिल्म की बात करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार मैच से ज्यादा अपनी फिल्म को प्रमोट करने में फोकस कर रहे हैं। अब ये सुपरस्टार IPL में पहुंचे ही इस काम के लिए हैं, तो वो कैसे ना करते। आमिर खान के अलावा और भी कई बड़ी बड़ी हस्ती ये मैच देखने पहुंचे थे, जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और AR रहमान। उस मैच को देखने 1 लाख से ज्यादा ऑडियंस पहुंची थी। शायद तभी मिस्टर खान ने अपनी फिल्म के ट्रेलर के लिए ये जगह चुनी। ट्रेलर को शानदार तरीके से मिस्टर खान ने लॉन्च भी किया, पर इस ट्रेलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिस कारण मिस्टर खान ट्रॉल हो रहे हैं। पहला, आमिर खान का पंजाबी एक्सेंट किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। व्यूअर्स का कहना है कि ऐसा लग रहा है वो जबरदस्ती ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर टॉम हैंक्स को कॉपी करने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। लोग इस सुपरस्टार को कॉपी कैट बुला रहे हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल्म 1914 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होगी, इसी कारण इसको कंपैरिजन लाल सिंह चड्ढा से होना तो बनता ही है। अब देखना होगा कि आगे और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ऑडियंस की। जिसने इंट्रोड्यूस कराया आमिर खान को टॉम हैंक्स से, कितने पापड़ बेले आमिर खान ने फिल्म के राइट्स के लिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडीगार्ड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। आमिर खान बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। इस सुपरस्टार को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बहुत प्यार मिलता है और लोगों को उनकी फिल्म्स काफ़ी पसंद भी आती हैं। इस सुपरस्टार की फिल्म्स को चाइना में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी फिल्म दंगल ने तो चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्रॉस किए थे। इसके अलावा उनकी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और 3 इडियट्स को भी चाइनीज ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। चाइना के अलावा हॉलीवुड में भी ये सुपरस्टार छाए रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक होगी, जिसके मेन लीड में हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स नजर आए थे। आमिर खान अपनी फिल्म को इस एक्टर को दिखाने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आमिर खान को टॉम हैंक्स से किसने मिलवाया था और किस तरीके से? आइए हम बताते हैं आपको। आमिर खान को टॉम हैंक्स से स्टीवन स्पीलबर्ग ने मिलवाया था, जो एक वेल स्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर हैं। 2014-15 के करीब ये एक्टर फिल्म फॉरेस्ट गम के राइट चाहते थे, जो कि डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेक्स के पास थे, पर इस डायरेक्टर ने इनसे मिलने से मना कर दिया था। कोई चॉइस ना होने के कारण वो जर्मनी में फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग से मिलने गए।
क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ही फिल्म मेकर रॉबर्ट ज़ेमेकिस को मना लेंगे। जर्मनी में स्टीवन स्पीलबर्ग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें मेन लीड की भूमिका टॉम हैंक्स निभा रहे थे। वहीं इस एक्टर की टॉम हैंक्स से पहली बार मुलाकात हुई थी। इस फिल्म मेकर ने आमिर खान को इंट्रोड्यूस कराते हुए इंडिया का जेम्स हैमरन बताया था और वो इसलिए बुलाया था क्योंकि जिस तरीके से जेम्स हैमरन बॉक्स ऑफिस पर अपनी धुआंधार कमाई से रिकॉर्ड तोड़ते हैं उसी तरह आमिर खान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं। इस मुलाकात के वक्त टॉम हैंक्स ने बताया कि वो आमिर खान को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने इस सुपरस्टार की फिल्म थ्री इडियट्स को 3 बार देखा है। जब आमिर खान ने स्टीवन स्पीलबर्ग को फिल्म के राइट से जुड़ी बात बताई तो उन्होंने बताया कि मेरा और रॉबर्ट ज़ेमेकिस का रिश्ता बाप बेटे जैसा है जो कि ज़्यादातर बाप बेटों की तरह वो दोनों भी अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्टर आपसे मिलने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो आपके मुंह पर आपको मना नहीं करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस एक्टर ने हिम्मत नहीं हारी और उस फिल्म के राइट्स पाने के लिए मेहनत करते रहे और अंत में उन्हें जीत मिली यानी इस फिल्म के राइट्स इस एक्टर को मिल ही गए। और अब तो ये फिल्म बन भी गई है जो 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज भी होने वाली है। अब देखना होगा कि हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाती है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही इस फिल्म के ट्रेलर ने चर्चाएं बटोरना शुरू कर दी। फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर खासा बज देखने को मिला। आमिर खान और करीना कपूर खान की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर राज करती दिखाई दे रही है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर काफी मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को जहां कुछ लोगों ने काफी पसंद किया और इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमबैक फिल्म बताया तो वहीं कुछ लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को उम्मीद के मुताबिक नहीं बताया जिसकी वजह से इसकी तुलना आमिर खान के पिछली फिल्मों से करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ यूजर्स के कमेंट। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, क्या एक्टर है आमिर खान, वो जरूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की गरिमा वापस लेकर आएंगे। जबकि किसी दूसरे इंटरनेट यूजर ने लिखा फिल्म की तारीफ करते हुए ट्रेलर की तारीफ करते हुए कि ये बिल्कुल फॉरेस्ट गम के लेवल का ही लग रहा है। मतलब कि लोगों से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस के ट्वीट्स आप देख सकते हैं। तो एक यूजर है शुभम कुमार सिंह, इन्होंने लिखा है, व्हाट एन एक्टर आमिर खान, ही विल ब्रिंग बैक द ग्लोरी टू बॉलीवुड सिनेमा # लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर। वहीं आदर्श जायसवाल ने लिखा है कि फॉरेस्ट गम का लेवल का ही लग रहा है # लाल सिंह चड्ढा। वहीं शगुन चौधरी ने लिखा है, फाइनली ऑल द ब्लूज अवे विद दिस वन, नो बेटर वे टू ब्रिंग दिस आउट देन द IPL फाइनल, वाह व्हाट अ ट्रेलर, इट वाज जस्ट अमेजिंग वन, # लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर वाज वर्थ द वेट। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, व्हाट अ वंडरफुल ट्रेलर दिस इज, लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां कुछ यूजर्स फिल्म के ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ इंटरनेट यूजर्स ने लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के लुक्स और उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें ट्रोल किया है। तो एक ने लिखा है कि हैव ए मिक्स ओपिनियन अबाउट द ट्रेलर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेलर फेल्ट लाइक रिजवान खान्स चाइल्डहुड फ्रॉम माय नेम इज खान एंड हिज एक्टिंग इज सेम लाइक सीन्स इन PK एंड समर फ्रॉम धूम 3, हैड मोर एक्सपेक्टेशंस, दो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मूवी # लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर लुक्स वेरी पुअर, होप द मूवी इज बेटर, आमिर खान सीम्स टू बी रिपीटिंग हिज 3 Idiots PK एक्ट। वही एक और यूजर ने लिखा कि आमिर खान इज प्लेइंग द सेकंड कैरेक्टर ऑफ धूम 3 विद द पगड़ी, वेरी ऑर्डिनरी ट्रेलर लाल सिंह चड्ढा। तो वही एक ने लिखा अमान खान ने कि धूम 3 एक्सप्रेशन प्लस हॉलीवुड कॉपी, इट्स गोइंग टू बी बिगेस्ट फ्लॉप, ओवर एक्टिंग इज क्लियरली विजिबल, ईच एंड एवरी सीन इज कॉपी फ्रॉम फॉरेस्ट ग्रम। खैर इस पर आपकी क्या राय है, आप नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड, क्या आपको भी इसमें समर का कैरेक्टर दिखा जो धूम 3 में था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर 2 पार्ट में बट गए हैं। आमिर और करीना को पसंद करने वालों को मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा, जबकि एक अदर वर्ग भी है जो फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रही है। जी हाँ, आमिर खान करीना कपूर स्टारर मूवी लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा, इस मूवी को बायकॉट करने की लोग मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा भी ट्रेंड कर रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आमिर खान की फिल्म को लेकर लोग ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं वो 5 रीजन जिसकी वजह से ये मांग हो रही है।
आमिर खान ने पीके में धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। नेटिजन सभी भी पीके के कारण आमिर खान से नाखुश है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीके में एक्टर ने उनके धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। और आज के समय में तो ऐसी अगर फिल्म बनती है तो आमिर खान की खटिया खड़ी हो सकती है बाय गॉड। उस टाइम नहीं पता कि लोगों ने क्यों इग्नोर किया फिल्म को, लेकिन आज के समय में अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो लोग किसी भी हद तक जाएंगे और फिल्म को, आमिर खान को और मेकर्स को बहुत परेशान करेंगे। फिल्म में विवाद का रीजन क्या था ये तो आप सभी जानते ही हैं। नंबर टू, भाई भतीजावाद पर करीना का बयान। करीना कपूर खान ने एक बार भाई भतीजावाद पर यानी कि नेपोटिज्म पर हो रहे बहस के दौरान कहा था कि कोई भी उनकी फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं करता है। उन्होंने कहा था कि दर्शक हमें स्टार बनाते हैं, जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, आपको कोई मजबूर नहीं करता है। अब लोग एक्ट्रेस के इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करें। सच में ये बहुत गलत बात है कि आप इतने बड़े स्टार हैं आप ऐसी बयानबाजी कर रही हैं। नंबर थ्री, लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम का रिमेक। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रिमेक है। फॉरेस्ट गम में टॉम हैंक इस मूवी के हीरो थे। लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, वो अब रिमेक मूवी को नहीं देखना चाहते। लोगों को लगता है कि मूल फिल्म से ये खिलवाड़ होगा। नंबर फोर, असहिष्णुता की लॉ को आमिर खान ने दी थी हवा। कुछ साल पहले आमिर खान ने अपने पूर्व पत्नी किरण राव के बारे में भारत की सोच को लेकर कहा था कि जब मैं घर पर किरण से बात करता हूं तो वो कहती है कि क्या हमें भारत से बाहर चले जाना चाहिए। किरण का कहना है कि उसे अपने बच्चों को लेकर डर लगता है, वो इस बात से डरती है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा, उसे रोज अखबार खोलने से डर लगता है। आमिर और किरण के इस बयान को लेकर लोगों में अभी भी गुस्सा है। देखा जाए तो उस समय भी बहुत बवाल हुआ था, लोगों ने कहा था कि आप प्लीज ये देश छोड़कर चले जाइए अगर आप लोगों को सेफ नहीं लगता तो। नंबर फाइव, आमिर खान के तुर्की की प्रथम महिला से मुलाकात। वेल, इसके लिए तो मैं भी नाराज हूँ आमिर खान से, मुझे भी ये गलत लगा था। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के लिए तुर्की में शूटिंग की और वहां वो तुर्की की प्रथम महिला से मिले। उस समय भी नेटिजन्स ने सुपरस्टार को उनसे मिलने के लिए ट्रोल किया था और ये वाकई में ट्रोल करने वाली बात थी, क्योंकि तुर्की हमेशा ही हमारे खिलाफ रहा है, वो हमेशा ही हमारे विरुद्ध रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे सुपरस्टार, हमारे इंडिया के लोग उनसे मिले तो सच में ये बहुत ही बुरी बात है और इसके लिए तो मैं भी नेटिजन्स के साथ खड़ा हूँ। वेल, तो ये थी पांच कुछ बातें जिसे लेकर लोग बायकॉट कर रहे हैं फिल्म को। अब देखना है कि जब फिल्म रिलीज होगी उस दिन कितना बड़ा बवाल मचता है। आपको क्या लगता है, आप किसके साथ हैं, आमिर खान के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं? क्या लगता है ये जो पांच पॉइंट है ये वैलिड पॉइंट है या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू। क्यों हुई बायकॉट? किसने बायकॉट किया? कितनी फिल्में हुई धर्म के नाम पर बायकॉट? क्यों चल रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बॉलीवुड फिल्में आमतौर पर एंटरटेनमेंट का एक ऐसा पैकेज होता है जिसमें गाने, डांस, रोमांस, स्टंट सीन्स भरे हुए होते हैं। कहा जाता है कि फिल्में हमारे सोसाइटी का आईना होती है, इसलिए कुछ विवादित मुद्दों पर भी फिल्म मेकर्स फिल्में बनाने से पीछे नहीं रहते। ऐसी फिल्में हमारे समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करती हैं, इसलिए कई लोग इन पर सवाल उठाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। धर्म जैसे मुद्दों पर भी फिल्में बनाई गई हैं। धर्म हम सबकी जिंदगियों का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है। इसी चक्कर में फिल्म लाल सिंह चड्ढा का भी बॉयकॉट हो रहा है। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर का फैंस भी सभी से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार खत्म नहीं हो गया। लेकिन 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 फिल्म का ट्रेलर आते ही ये ट्रेलर लोगों के निशाने पर आ गई है। आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर बॉयकॉट हो रहा है। सोशल मीडिया पर फिलहाल बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड काफी ऑन है। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्या आपने ये फिल्म देखी है? आप ये देख सकते हैं क्योंकि ओटीटी पर अवेलेबल है। ऐसे में लोग फिल्म को कॉपी करने से काफी नाराज है। इसके अलावा लोगों का आरोप है कि आमिर खान ने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा आमिर खान की एक्स वाइफ यानी किरण राव के पुराने बयान का भी अब एक बार फिर से विरोध किया जा रहा है। आमिर खान के फिल्म का विरोध करते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, आमिर खान कहते हैं देश
असहिष्णु हो रहा है और वो भारत को छोड़ना चाहते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, दोस्तों करीना कपूर खुद कहती है कि मैं अपनी फिल्में नहीं देखती, तो मत जाओ उनकी फिल्में देखते। इसके अलावा कई यूजर्स ने मीम शेयर करते हुए आमिर खान को ट्रोल भी किया है। तो वही बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर आमिर खान के पोस्टर फाड़े और जलाए गए। सनातन रक्षक सेना ने भी आमिर के पुराने बयान का विरोध किया। आपको बता दें कि आमिर खान इस फिल्म के साथ 4 साल बाद सिनेमाघरों में लौटने वाले हैं। उनकी आखिरी फिल्म थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एक फ्लॉप फिल्म रही थी, लेकिन फैंस के बीच लाल सिंह चड्ढा का काफी बज बना हुआ है। इस फिल्म के डायरेक्टर है अद्वैत चंदन और इस फिल्म में आमिर खान के साथ साथ करीना कपूर खान भी नजर आने वाली है। वैसे आमिर खान की ये फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी और तब लाल सिंह चड्ढा और KGF चैप्टर 2 की सीधी टक्कर हमें बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलती। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो है लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट को बदल कर 11 अगस्त कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ धर्म के नाम पर लाल सिंह चड्ढा का ही बॉयकॉट हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनका बॉयकॉट किया गया है। जैसे PK, आमिर खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म PK में भक्ति और आस्था के नाम पर चल रहे गोरख धंधे पर कटाक्ष किया गया था। धर्म अहंकार लूटपाट दंगों से भरी इस देश में दूर प्लेनेट से एक अंतरिक्ष यात्री आता है और यहाँ के माहौल में कंफ्यूज हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जिस प्लेनेट से आता है ना वहाँ पे कोई लैंग्वेज है, ना वहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं और झूठ तो आहा बिल्कुल नहीं बोलते। सच का वो हिमायती जिसके सवालों और बिहेवियर से धरतीवासी को लगता है कि वो हमेशा ही पी के रहता है, यानी नशे में रहता है। दोस्तों धर्म के नाम पर चल रही राजनीति और तमाम किस्म के भेदभाव आस्थाओं में बटे इस समाज में भटकते हुए PK के जरिए हम उन सारी विसंगतियों और कुरीतियों के सामने खड़े होते हैं जिन्हें हमने अपनी रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, आदत हो गई है हमें, इसीलिए हम सवाल नहीं करते। देखा जाए तो हमारे सोच विचार काफी पत्थर बन चुके हैं। ऐसे राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी की कल्पना का ये एलियन चरित्र PK हमारे ढोंग को बेनकाब कर देता है, जो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बॉयकॉट किया गया था क्योंकि बहुत लोगों को लगा कि उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसके बाद आती है दोजर इन सर्च ऑफ हेवन। इसके डायरेक्टर है जैगम इमाम। उन्होंने अपने ही लिखे उपन्यास दोजर पर ये फिल्म बनाई और इसका टाइटल भी इसी बुक के नाम पर रखा। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की है कि एक मुस्लिम मौलवी यानी ललित मोहन तिवारी होते हैं जिसे सभी लोग प्यार से चाचा के नाम से पुकारते हैं। वो काफी परेशान रहता है क्योंकि उसका 12 साल का इकलौता बेटा जान मोहम्मद यानी गैरिक चौधरी लापता हो जाता है जिसे प्यार से वो जानू बुलाते हैं। वैसे तो वो पैदा मुस्लिम परिवार में होता है लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा हिंदू धर्म में होती है। वो मंदिर के पुजारी से घंटों बातें करता है, रामलीला में हनुमान का किरदार निभाता है और गंगा के घाट पर प्रवचन भी सुनता है। मगर मौलवी साहब अपने बेटे की इस आदत की वजह से उस पर काफी गुस्सा करता है। जब तक जानकी अम्मी जिंदा होती है वो दोनों बाप बेटे के बीच सुलह कराती है, मगर एक हादसे में जानकी अम्मी की मौत हो जाती है जिसके बाद कई सारे इमोशनल घटनाएं उनके साथ घटती है और वही फिल्म में दिखाया गया है। फिर आती है फिल्म ओ माई गॉड। इसे भी धर्म के नाम पर बॉयकॉट किया गया था। परेश रावल की बेहतरीन फिल्मों में से एक ओ माई गॉड भगवान के खिलाफ ना होकर उनके नाम पर बिजनेस करने वालों के खिलाफ था। धर्म का डर दिखाकर धर्म के नाम पर जो लूट मचा रहे उन लोगों पर मजाक बनाते हुए उन्हें बेनकाब करने की कोशिश की गई जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। आस्था के नाम पर अंधे बने हुए लोग भी कम दोषी नहीं है, मतलब मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर पैसे हीरे जेवरात सिंहासन मुकुट ऐसे चढ़ाते हैं और उनकी कीमत सुनकर आपके रातों की नींद तो बिल्कुल उड़ने ही वाली है। दोस्तों इस फिल्म में कांजी भाई की दुकान भूकंप में बर्बाद हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी इसे एक्ट ऑफ गॉड करार देते हुए उन्हें हर्जाना देने से इनकार कर देती है। कांजी भाई क्या करते हैं कि भगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं कि यदि उन्होंने उनकी दुकान बर्बाद की है तो उन्हें हर्जाना देना ही पड़ेगा। कोर्ट कांजी भाई को कहती है
कि अगर भगवान है तो आप उसका सबूत दें। कांजे भाई सभी धर्मों के पंडित, मौलवी और पादरी को लीगल नोटिस भेजते हैं। ओ माय गॉड, धर्म भीरू लोगों को ये बात सिखाती है कि भगवान से डरो नहीं बल्कि उनसे प्यार करो। वैसे दोस्तों, क्या आपने ये सारी फिल्में देखी है? कौन कौन से आपने देखी है? या फिर हुए में बहुत ही धारी सिंह किरदार, क्या तारा सिंह को मात देगी आमिर की पग? सनी का कौन सा सिख किरदार रहा फेमस? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा। दोस्तों, तेलुगु सुपरस्टार नागा चैतन्य बॉलीवुड के फेमस एक्टर आमिर खान और करीना कपूर खान के साथ मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ, ये फिल्म अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित है और टॉम हैंक्स द्वारा अभिनीत ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। फिल्म में आमिर खान एक सिख की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन ये पहले ऐसे नहीं है जो एक सिख का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्मों में सरदार और पंजाबी किरदारों का सिलसिला बहुत पहले से ही रहा है। आप जरा कुछ पहले की फिल्मों को याद करके देखिए, उस समय बनने वाली अधिकतर फिल्मों में एक किरदार सरदार हुआ ही करते थे। तो आपको मैं अब बताने वाली हूँ कि आमिर से पहले किस किस ने फिल्मों में सरदार का किरदार निभाया है या सिख का किरदार निभाया है। बता दें, साल 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी फिल्म सनम सरदार में सुपरस्टार अजय देवगन का किरदार सरदार होता है। दोस्तों, सिख कम्युनिटी पर आधारित इस फिल्म का डायरेक्शन किया था सुनील धीर ने। उसके अलावा भी फिल्म में अजय देवगन थे, उनके अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, जूही चावला, अर्जुन बाहुजा, पुनीत इस्सर, मुकुल देव, बिंदु दारा सिंह, संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी जैसे एक्टर्स अहम रोल में थे। इस फिल्म में अजय देवगन को सरदार के किरदार में दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। यही वजह है कि 6 साल बाद एक बार फिर उनको फिल्म सरदार भगत सिंह में इसी तरह के किरदार में देखा गया। फिल्म सन ऑफ सरदार बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही थी। इसके साथ ही बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, जो ऑलरेडी पंजाबी ही है लेकिन सरदार नहीं, लेकिन उनको अधिकांश फिल्मों में सिर्फ सरदारों के किरदार में ही देखा गया है। सब फिल्मों में सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म रही है सिंह इज किंग, आप तो देखी ही होगी, जिसमें वो एक पगड़ीधारी सिख की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के इस किरदार को लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया था। वैसे तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म सिंह इज किंग की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका सीक्वल भी बनाया सिंह इज ब्लिंग, लेकिन सिंह इज ब्लिंग उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद 11 दिसंबर 2009 में रिलीज हुई फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर पहली बार एक पगड़ीधारी सिख के किरदार में दिखाई दिए। इसमें वो एक पंजाबी सेल्समैन का किरदार निभा रहे थे। हरप्रीत सिंह बेदी की भूमिका में अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको तो पता ही होगा, हरप्रीत पढ़ाई में कमजोर था लेकिन उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सेल्समैन का काम शुरू कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने बहुत मेहनत की और उसे बेस्ट सेल्समैन का खिताब मिला। फिल्म में रणवीर कपूर को इस किरदार में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया और यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अब दोस्तों, जब सबने सिख की भूमिका निभाई तो हमारे बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन कैसे पीछे रहते? इन्होंने फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में सिख आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को इस किरदार में लोगों ने बहुत 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 ज्यादा पसंद किया और बहुत प्यार दिया, लेकिन इसके बावजूद, बेहतरीन स्टोरी लाइन और बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद भी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के अलावा मेजर साहब में भी बिग बी सिख अफसर के रोल में नजर आ चुके हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है दोस्तों कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन सिख परिवार की थी। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। अब सिखों की बात करें और तारा सिंह को भूल जाए, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पंजाबी मूल के सिख है। उनके पिता सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र पंजाब से ही मुंबई फिल्मों में काम करने के लिए आए थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर भी सिख ही है। इस तरह सनी देओल के माता पिता सिख है, इसके बावजूद उनको पग में बहुत कम ही देखा गया है, लेकिन फिल्मों में उन्होंने बहुत ही शानदार सिख किरदार निभाया है। दोस्तों, इन सब में सबसे प्रमुख किरदार फिल्म गदर का तारा सिंह का है। इस फिल्म और उनके किरदार को आज तक कोई भूल नहीं पाया। सनी देओल अब तक यमला पगला दीवाना, बॉर्डर, गदर और
सिंह साहब द ग्रेट जैसी फिल्मों में पगड़ीधारी सिख की भूमिका में नजर आ चुके हैं। इस किरदार में उनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। अब ऐसा ही पगड़ीधारी सिख किरदार में आमिर खान भी दिखने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि अब तक के इन सिख किरदारों में से किसको सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये है फिल्म बॉयकॉट। कब से शुरू हुआ फिल्म का बॉयकॉट होना, किस आधार पर होते हैं ज्यादा से ज्यादा बॉयकॉट? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा। दोस्तों बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री को जन्म में 100 साल से भी ज्यादा हो गया। इस सफर में उठे सभी विवादों से सिनेमा और उसके फैंस ने डट कर मुकाबला किया। इन्हीं में से एक विवाद है #boycott, आपने तो सुना ही होगा, जिसका जन्म 25 साल से भी पहले हुआ था, पर अभी ट्विटर पर हर दूसरे दिन ट्रेंड कर रहा है। कभी बॉयकॉट लाल सिंह छड्डा तो कभी बॉयकॉट सम्राट पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि बॉयकॉट का ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पहले से, बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, सिद्धार्था, इंसाफ का तराजू और ना जाने कितनी फिल्में ऐसी है जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। उस दौर में फिल्मों को रद्द या बॉयकॉट करने के कई रीजंस होते थे, जैसे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, महिलाओं का गलत चित्रण, किसी नेता पर गलत टिप्पणी इत्यादि। बॉलीवुड और विवाह दोनों हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। अभी हाल ही में लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा, ट्रेलर आते ही फिल्म लोगों के निशाने पर आ गई। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर बॉयकॉट हो रहा है। सोशल मीडिया पर #boycott लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड चल रहा है। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की आधिकारिक हिंदी रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म वैसे ओटीटी पर भी मौजूद है। ऐसे में लोग फिल्म को कॉपी करने से नाराज है। साथ ही इसके अलावा लोगों का ये आरोप है कि आमिर खान ने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इसके अलावा आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के पुराने बयान का अब एक बार फिर से विरोध किया जा रहा है। आमिर खान की फिल्म का विरोध करते हुए ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, आमिर खान कहते हैं देश असहिष्णु हो गया है और वो भारत को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों रिसेंटली उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आमिर खान और उनके फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर आमिर खान के पोस्टर फाड़े और जलाए गए। सनातन रक्षक सेना ने भी आमिर के पुराने बयान का विरोध किया। इसके अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो धर्म के नाम पर बॉयकॉट हो गई, जिसके बारे में हमने आपको शायद पहले वीडियो में बताया था, ऑफकोर्स बताया था अगर आपने वीडियो देखा हो तो। और आज फिर एक बार आपको बाकी फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले नंबर पर है दीपिका की छपा। फिल्म छपा रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई थी। फिल्म को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग होने से पहले ये बात सामने आ रही थी कि फिल्म में एसिड अटैक करने वाला जो लड़का है उसका धर्म बदल दिया गया है, लेकिन फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद ये सारे दावे फर्जी साबित हो गए। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर जिस व्यक्ति ने हमला किया वो एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसको फिल्म में हिंदू बताया गया। लोगों का कहना था कि फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है, तो जब फिल्म में इसके आरोपी को सही धर्म और नाम के साथ नहीं दिखाया गया तो इसे लक्ष्मी का सम्मान कैसे हो सकता है? खैर सच्चाई तो ये थी कि फिल्म में किरदारों का नाम बदला गया, ना कि उनका धर्म। फिल्म में दीपिका का नाम बदल के लक्ष्मी की जगह मालती रखा गया, तो वही लक्ष्मी पर हमला करने वाले व्यक्ति का नाम नदीम से बदल कर बशीर खान रखा गया था। इसके बाद बच्चन पांडे फिल्म को भी बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। फिल्म में अक्षय को बच्चन पांडे के किरदार में देखा जा सकता है और अब उनका नाम ही लोगों के गुस्से की वजह बन गया है। दोस्तों कुछ लोगों का आरोप है कि इस फिल्म के जरिए एक खास वर्ग को अपमानित किया गया था। ट्रोलर्स का कहना था कि फिल्म में ब्राह्मणों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है। ऐसे में अक्षय के नाम के कारण ही बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी थी। लोगों का कहना था कि मेकर्स ने जानबूझकर फिल्म में ब्राह्मणों को नेगेटिव तरीके से पेश किया था, जिसकी वजह से बॉयकॉट किया गया और तो और लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार भी नहीं दिया। दोस्तों फिर आती है अक्षय की फिल्म अतरंगी रे, जो बॉयकॉट हो गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की मांग किए जाने लगे।
अतरंगी रे को 24 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सारा एक बिहार की लड़की रिंकू के किरदार में है, जिसकी जबरदस्ती शादी तमिल लड़के विशु से करा दी जाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि रिंकू एक जादूगर से प्यार करती है और उसके लिए वो अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार है। इस फिल्म में जादूगर का नाम सज्जाद अली है और यही किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। बस इसी बात पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म का विरोध करने पर उतर आए। कुछ यूजर्स का कहना था कि फिल्म में हिंदुओं को क्रूर दिखाया गया है कि वो अपनी बेटियों की ही शादी जबरदस्ती करा देते हैं। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम के प्यार में पागल होकर अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार है। इस तरह से ये फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। अब इसके बाद नंबर आता है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धाकड़ का। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की मांग उठने लगी, जिसके बाद दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की नाराजगी बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्विटर पर सुशांत सिंह के फैंस कंगना रनौत और उनकी फिल्म पर अपना खूब गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में उन्होंने सलमान खान को भी लपेट लिया है। दरअसल इस विवाद की जड़ है कंगना रनौत और सलमान खान के बीच शुरू हुई नई नई दोस्ती। दोस्तों, यूजर्स का कहना है कि एक वक्त था जब कंगना सलमान खान की जमकर बुराई किया करती थी, लेकिन अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। वही दूसरे यूजर का कहना है कि कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने फिल्म के लिए किसी भी खान की जरूरत नहीं, लेकिन वो उनकी ईद पार्टी में जा सकती है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स का ये कहना है कि सलमान ने तो कंगना की फिल्म धाकड़ का सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी किया था। वही कुछ का कहना ये है दोस्तों कि अब कंगना सलमान की तारीफ करते नहीं थक रही। इसी तरह जो है धाकड़ की सिर्फ 20 ये टिकट बिक पाई है। दोस्तों, फैंस का गुस्सा वाकई में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसी तरह अक्षय की एक और फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को भी करनी सेना के द्वारा बॉयकॉट करने की धमकी मिली थी, लेकिन अब पृथ्वीराज के टाइटल को बदल कर सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में ये बॉयकॉट का सिलसिला जारी रहेगा, और रहेगा तो कब तक रहेगा? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह जट्टा मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि किसी और को भी इस फिल्म का इंतजार है, और वो लोग हैं जो फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। उनको भी फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। देखा जाए दोस्तों, तो फिल्म को लेकर कोई ना कोई किस्सा सोशल मीडिया पर हमेशा ही सामने चलता रहता है। ऐसे में एक बार फिर से अद्वैत चंदन की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कुछ ऐसी रिएक्शन सामने आए हैं जो चर्चा का एक विषय बन चुका है। संजय गुप्ता को आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक फिल्म मेकर है संजय गुप्ता, जो हमेशा ही फिल्मों को लेकर, ट्रेलर को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं और उनके बारे में बातें करते रहते हैं। मे बी शायद उन्होंने हाल ही में लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखा होगा, और ट्रेलर देखने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा मजेदार सवाल उठाया। संजय गुप्ता ने एक ट्वीट किया जिसमें आमिर खान गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कैप्शन में भी लिखा कि यही कारण है कि मैं फिल्म को देखने के लिए मरे जा रहा हूं कि आखिर चलती ट्रेन में आपको गोल गप्पे खाने को कहां मिल गए। फिर क्या था, इस पोस्ट के बाद फैंस ने भी अलग अलग रिएक्शन देने शुरू कर दिए। किसी ने फिल्म को लेकर चुटकी ली, तो किसी ने ये बताना शुरू कर दिया कि ट्रेन में क्या क्या मिलता है। वेल दोस्तों, देखा जाए तो अभी हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, और ट्रेलर रिलीज हुआ था आईपीएल के ग्रैंड फिनाले के दिन। मतलब ये इतिहास का पहला ऐसा ट्रेलर होगा जो आईपीएल के फिनाले में लॉन्च किया गया है। हर बार की तरह जहां एक तरफ फैंस होते हैं जहां ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा लवर्स होते हैं जो सिनेमा को बारीकी से जानते हैं और देखते हैं, उन्होंने आमिर खान की क्लास लगा दी। आमिर खान को फिर से उनकी फिल्म धूम 3 की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने समर का रोल प्ले किया था। लोगों का कहना है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं। साथ ही ट्रेलर देखने वालों ने और भी बहुत सी कमियां निकाली। कमियों के साथ एक अलग ग्रुप है जो फिल्म को लेकर बायकॉट की मांग कर रहा है, और फिल्म को बायकॉट क्यों करनी है, इनकी एक अलग डिमांड है। किसी को करीना कपूर खान की बातें चुभी है, तो किसी को आमिर खान का मिलना, वो भी टर्की के फर्स्ट लेडी से, वो चुभा है। ऐसी बहुत सी तमाम बातें हैं जिसे लेकर लोग फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इधर एक नया मोड आ चुका है कि आखिरकार चलती ट्रेन में गोलगप्पा कहां से आया। वेल, इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूं ट्रेन में। मैंने हर एक कोच में ट्रैवल किया है, चाहे वो फर्स्ट कोच हो या फिर जनरल डब्बा। अब ऐसे में मुझे कभी भी कहीं भी
ट्रेन में गोलगप्पे वाला तो नहीं दिखा और ना मैंने खाया है और ना कभी किसी को खाते हुए देखा है। ओवरऑल आ गया जटायु की मूर्ति को फिल्म में। किस बात की प्रतीक है जटायु की मूर्ति, क्या खासियत है जटायु की मूर्ति वाली जगह में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आपने अभी तक बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म लास्ट सीन चड्डा का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने उसमें बड़ी सी संरचना पर ध्यान दिया जो बड़ी पक्षी जैसी दिख रही थी? दिया आपने? वैसे दिया तो होगा क्योंकि वो काफी आई कैचिंग थी। आपको बता दें कि ये इमारत बहुत खास है, पहाड़ी की चोटी की मूर्ति केरल की प्रसिद्ध जटायु पारा या जटायु इमारत है। ये कोल्लम जिले के चद्यामंगलम में स्थित है। जिस तरह से केरल के खूबसूरत इमारत को ट्रेलर में दिखाया गया, यकीनन इसकी वजह से इस जगह की लोकप्रियता और बढ़ेगी। दोस्तों इसे बनाने का उद्देश्य आसपास की चट्टान और प्रकृति की सुरक्षा करना। इसका संबंध रामायण से होने की वजह से इसका निर्माण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित कहानी के अनुसार पक्षी जटायु इसी चट्टान पर गिरे थे। इसके अलावा मूर्तिकला पौराणिक पक्षी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जिसने महिला की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा की वजह से खुद के प्राणों की आहुति दे डाली। इसलिए इस प्रतिमा को सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो लाल सिंह चड्ढा में मोस्ट प्रोबेबली नारी सम्मान की बातें भी की जा सकती हैं। आपको बता दें कि 3 मंजिला मूर्ति के अंदर की दीवारें काफी विशाल हैं और इनके अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें आप सीता माँ के अपहरण की कहानी 6D में देख सकते हैं। 3री मंजिल पर आप जटायु पारा की आंखों से जटायु पारा की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ ले सकते हैं। जटायु अर्थ सेंटर के पास एक एडवेंचर पार्क भी बनाया गया। यहाँ तरह तरह के क्लाइंबिंग, कमांडो नेट, पेंटबॉल, रोप हैंगिंग, चिमनी क्लाइंबिंग, शूटिंग, वर्टिकल लैडर, वॉल क्लाइंबिंग, 1 घंटे की ट्रैकिंग, तीरंदाजी, साथ ही साथ रस्से से बना हुआ बर्मा ब्रिज भी है। इस खूबसूरत इमारत को राजीव अंचल द्वारा बनवाया गया है। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म डायरेक्टर, मूर्तिकार और स्क्रीन राइटर है। साथ ही उन्हें 1977 में केरल ललिता कला एकेडमी से मूर्ति कला के लिए राज्य पुरस्कार भी मिले थे। उन्होंने केरल में स्टैचू के अलावा कई सारे मूर्तियां भी बनाई। आपको बता दें कि यहाँ केबल कार की भी सुविधा है, जी हाँ, जहाँ आप आसानी से इस जगह तक पहुँच सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड से लाई जाने वाली सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली केबल कार है। इनकी कारों से डेस्टिनेशन तक जाने में कुछ ही मिनट का वक्त लगता है। अभी 6 कार्स ही है और एक कार में 8 यात्री जा सकते हैं। इन कार से 750 मीटर की दूरी से 1000 फीट की ऊंचाई तक यात्रा की जा सकती है। इन कार में घूमने की कीमत 500 रुपीज। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको लगेगा आधा घंटा। अगर हम बात करें कोल्लम की तो वहाँ बस का आनंद भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कैब बुकिंग की सुविधा भी है। जटायु की विशाल संरचना तक केबल कार रोपवे की सवारी या पार्क के भीतर पहाड़ी की चोटी पर 1 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ पहुंचा जा सकता है। ठीक ऐसे ही और 99 लोकेशंस है जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है। तो आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन बन रही है लाल की माँ? क्यों कम उम्र की लड़की को चुना गया? किन फिल्म में साथ दिखे ये ऑन स्क्रीन माँ बेटा? पॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा। टेलीविजन दुनिया की मशहूर अभिनेत्री मोना सिंह अपने जबरदस्त एक्टिंग के लिए जानी जाती है। कई सारे टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज में नजर आ चुकी है। मोना सिंह का जन्म 1981 में चंडीगढ़ के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। मोना सिंह ने अपने एक्टिंग की शुरुआत मशहूर टीवी सीरियल जस्सी जैसे कोई नहीं से की थी। अपने पहले ही टीवी सीरियल से काफी पॉपुलर हो गई थी मोना से। इस सीरियल में उनके जस्सी के किरदार को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। उसके बाद मोना सिंह, क्या हुआ तेरा वादा, प्यार को हो जाने दो और कवच, काली शक्तियों से और भी कई सारे टीवी सीरियल्स में नजर आई। दोस्तों सिर्फ सीरियल से नहीं, मोना सिंह कई सारे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रही है। वो डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 1 के विनर थे। मोना सिंह 10 से ज्यादा रियलिटी शोज का हिस्सा रही है। टीवी पर अपने शानदार एक्टिंग के दम दिखाने के बाद मोना सिंह ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया और आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में नजर आई।
थ्री इडियट साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मोना सिंह ने करीना कपूर की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद मोना सिंह बॉलीवुड के फिल्म्स उटपटांग, जेड प्लस और अमावस में नजर आई। आई नो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो तो लाल सिंह छड्डा के बारे में है, तो हम लोग मोना सिंह के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो आपको बता दूं कि हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है। फिल्म लाल सिंह छड्डा के ट्रेलर में फिल्म के कई किरदारों को दिखाया गया है, लेकिन ट्रेलर के बाद जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो है एक्ट्रेस मोना सिंह। मोना सिंह फिल्म लाल सिंह छड्डा में आमिर खान की मां का रोल कर रही है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि असल जिंदगी में आमिर और मोना सिंह की उम्र में काफी फासला है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मोना सिंह आमिर से 17 साल छोटी है। जी हाँ, अभिनेत्री की उम्र है 40 साल जबकि आमिर खान है 57, जिससे साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ा फासला है। लेकिन एक कम उम्र की लड़की को माँ के रोल में दिखाना ये सही आइडिया है या नहीं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दूं कि ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसके डायरेक्टर है अद्वैत चंदन, इसे एरिक रोथ और अतुल कुलकर्णी ने लिखा है। वैसे ये फिल्म है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म। हम आपको इस फिल्म के बारे में कई और वीडियोस में बता चुके हैं। ये फिल्म हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तो आपको क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी कम उम्र की लड़की को मां दिखाने का ये आइडिया, ये आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट काफी होगी। फिर मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है, वो भी बड़े जोरदार तरीके से। जी हां, अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए बताया कि वो रक्षाबंधन को यानी कि 11 अगस्त 2022 के दिन रिलीज करेंगे। अक्षय कुमार के इस पोस्ट से साफ हो गया कि अगस्त के महीने में आमिर खान से भिड़ने वाले हैं। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा भी इसी तारीख को बॉक्स ऑफिस पर कदम रखने वाली है। आमिर खान ने काफी वक्त पहले फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट का ऐलान किया था। अब आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों की फिल्में फैमिली ड्रामा जॉनर की हैं। इन दोनों फिल्मों के आपस में भिड़ने का मतलब है कि दोनों स्टार्स के बीच ऑडियंस का बंटवारा होना। दोस्तों, जब से ये अपडेट आई है सभी के फैंस, चाहे वो अक्षय कुमार के फैंस हो या फिर आमिर खान के, दोनों के फैंस परेशान है। यहाँ तक कि ट्रेड एक्सपर्ट भी इस क्लैश से परेशान हो उठे हैं। आमिर खान और अक्षय कुमार इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर हैं, जिनकी भिड़ने से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और थिएटर मालिकों को ही नुकसान होगा। लगातार होती फ्लॉप फिल्मों के दौर में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की क्लैश से इंडस्ट्री को झटका लग सकता है। हालांकि देखा जाए तो जो आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। वहीं अगर अक्षय कुमार की बात करें तो कोरोना काल से पहले अक्षय कुमार की फिल्में सिनेमाघरों में जमकर धमाल मचाती थी, लेकिन कोरोना के बाद से उनकी फिल्में सिनेमाघरों में औंधे मुंह गिर रही हैं। ऐसे में रक्षाबंधन से अक्षय कुमार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन उनकी कोर ऑडियंस को थिएटर में लाने की कोशिश करेगी, और जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से या फिर उससे पहले जो फिल्म रिलीज हुई थी उससे जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी छवि, उनका कैरेक्टर जो खराब हुआ है, ये फिल्म उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, देखा जाए तो अक्षय कुमार 90 के दशक के हीरो हैं, जिनकी फिल्में फैमिली ऑडियंस को काफी पसंद आती है। हालांकि आमिर खान भी 90s के हैं और उनकी फिल्में भी लोगों को बहुत पसंद आती है। वो बहुत सोच समझ कर फिल्में करते हैं, 2-3 साल में एक फिल्में आती हैं उनकी। हालांकि अक्षय कुमार की कई 2-3 साल में फिल्में आ जाती है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि रक्षाबंधन अक्षय कुमार की सफल फिल्म की भूख पूरी कर पाएगी या नहीं, और क्या इस बार आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर अपना झंडा, अपना परचम लहरा पाएंगे या हाल हो जाएगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह। आपको क्या लगता है और आप किस फिल्म को पहले देखना पसंद करेंगे, लाल सिंह चड्ढा को या फिर रक्षाबंधन को? अक्षय कुमार ने दिया रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के क्लैश पर अपना रिएक्शन। आखिर बॉक्स ऑफिस पर कितनी बार टकरा चुके हैं अक्की और आमिर, किसकी होगी जीत? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनी का जाल। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार ने पहली बार रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा के क्लैश के बारे में बात की।
की। आपको बता दें दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस पर अक्षय ने कहा, मैं इसे क्लैश नहीं कहूँगा, मैं बस ये मान रहा हूँ कि दो अच्छी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, ये बहुत ही अच्छी और बड़ी तारीफ है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही फिल्में अच्छी कमाई करेंगे। आपको बता दें अक्षय कुमार ने साथ में इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड-19 की वजह से ढेर सारी फिल्में अटकी हुई है, हर फिल्म को अच्छी रिलीज डेट चाहिए, इसीलिए क्लैश होना तो नेचुरल है। वहीं दोस्तों लाल सिंह चड्ढा काफ़ी टाइम से रिलीज के लिए अटकी है और फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदली भी जा चुकी है। इससे पहले ये फिल्म दिसंबर 2020 में रिलीज होनी थी, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे के साथ क्लैश होने वाला था। वहीं बात करें रक्षाबंधन की तो ये फिल्म भी सोलो रिलीज नहीं थी, पहले 11 अगस्त को रक्षाबंधन प्रभास की आदि पुरुष के साथ टकराने वाली थी, लेकिन आदि पुरुष पोस्टपोन हो गई और आमिर ने तुरंत इस डेट पर कब्जा कर लिया। वही दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब अक्की और आमिर आपस में टकरा रहे हैं। आखिरी बार साल 2007 में टकराए थे जब अक्की की वेलकम रिलीज हुई थी और आमिर खान की तारे जमीन पर। इसके अलावा बात करें दोनों फिल्मों के अलावा तो अक्षय कुमार आमिर खान एक दूसरे से टक्कर लेते दिखे 1995 में, जहां पर अक्षय कुमार की मैदानी जंग रिलीज हुई थी, वहीं आमिर खान की बाजी रिलीज हुई थी। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के क्लैश में कौन बाजी मारता है, आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों 11 अगस्त को ये देश बॉक्स ऑफिस पर पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी जंग देखने वाला है और ये सीधी जंग है अक्षय कुमार और आमिर खान की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का सीधा सामना हो रहा है और सवाल यह है कि आमिर खान अक्षय कुमार पर भारी पड़ेंगे या फिर अक्षय अपनी अदाओं से आमिर को हरा देंगे। यहाँ जंग बहुत दिलचस्प है और बराबरी की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी 5 ऐसी वजह हैं जिनके चलते इस बार आमिर के सामने अक्षय का पलड़ा थोड़ा कमजोर दिख रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है वजह और एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में। नंबर 1, आमिर खान के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के सामने अक्षय पड़े फीके। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन, आमिर खान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और अक्षय कुमार की हालिया परफॉर्मेंस एकदम अलग कहानी कह रहे हैं। जहां आमिर खान की ट्रैक शीट पर दंगल, धूम 3, पीके, 3 इडियट जैसी शानदार फिल्में हैं, वहीं अक्षय की पिछली कुछ फिल्में लगभग डिजास्टर साबित हुई। मतलब कोरोना के बाद से अक्षय कुमार का करियर डगमगा गया है। बच्चन पांडे, लक्ष्मी बॉम्ब, बेल बॉटम, सम्राट पृथ्वीराज, तमाम बड़ी फिल्मों को जिस तरह से पब्लिक ने रिएक्शन दिया है वो अक्षय कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में अब वो ले देकर उनकी सारी उम्मीदें फिल्म रक्षाबंधन पर टिकी है और अब देखा जाए तो फर्स्ट लुक पोस्टर और बाकी चीजों से फिल्म रक्षाबंधन वो माहौल नहीं बना पाया जिसकी उम्मीद अक्षय कुमार की फिल्मों से की जाती है। नंबर 2, आमिर खान का फोकस क्वालिटी पर लेकिन अक्षय का फटाफट स्कूटर। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन, जी हां, आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह अपनी फिल्मों की क्वालिटी और अपने परफॉर्मेंस पर बहुत ध्यान देते हैं। वो एक फिल्म पर 2 से 3 साल लगाने में नहीं चूकते, लेकिन वही अक्षय कुमार तो जैसे फिल्मों का 20-20 मैच खेलते हैं। अक्षय कुमार से तेज और फटाफट फिल्में पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं करता और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अक्षय की फिल्मों की क्वालिटी और उनकी परफॉर्मेंस पर इसका साफ असर दिखा। अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ही देख लीजिए, इस फिल्म के लिए आमिर ने अपना सब कुछ एक कर दिया, वहीं अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म रक्षाबंधन कब शूट करके तैयार भी कर ली किसी को कुछ पता ही नहीं। 3, आमिर खान ने अक्षय कुमार के मुकाबले बनाई अलग ब्रांड वैल्यू। दोस्तों आमिर ने अपने काम से पिछले कुछ सालों में अपनी अलग ब्रांड वैल्यू भी बनाई है। भले ही अक्षय की तरह आमिर के उतने दिल की तह से चाहने वाले फैंस ना हो, लेकिन आमिर की फिल्मों को माउथ पब्लिसिटी का सहारा बहुत मिलता है और ये तभी होता है जब फिल्म में एक क्वालिटी के लेवल पर काम किया हो जो दर्शकों को अंदर तक छू जाए। दरअसल आमिर जिस तरह अपनी फिल्मों के सब्जेक्ट चुनते हैं वो भी इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। आमिर की हर फिल्म, चाहे वो पीके हो, 3 इडियट्स हो या फिर दंगल हो या लगान हो, हर फिल्म दर्शकों को कुछ अलग सीख देकर जाती है। लिहाजा आमिर खान की ब्रांड वैल्यू के साथ होने का मतलब है कि लोगों को इस बात की गहरी उम्मीद रहती है कि अगर फिल्म में आमिर है तो फिल्म अच्छी ही होगी। अक्षय इस ब्रांड वैल्यू वाले मोर्चे पर अभी भी आमिर से मात खाते हैं। नंबर 4, राजनीति से दूर, काम में मेहनत भरपूर। आमिर ने पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर मेहनत की, वहीं अक्षय कुमार पिछले कुछ वक्त में काम से कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स और राजनेताओं के साथ नजर आए।
अक्षय की इमेज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गई और यही बात उनके लिए नेगेटिव साबित हो रही है। नंबर 5, देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। आमिर खान काफी लंबे समय के बाद सिनेमा पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए 11 अगस्त की तारीख का ऐलान उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अक्षय कुमार ने बाद में इस तारीख पर अपना दावा ठोका। अब अगर सामने से देखा जाए तो आमिर ने इस जंग को इन्वाइट नहीं किया था, लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में अक्षय आमिर से टक्कर लेने चले आए। अब ऐसे में जीतेगा तो वही जिसकी तैयारी दुरुस्त होगी। खैर 11 अगस्त को इस जंग के शुरुआती परिणाम आ जाएंगे। सभी की निगाहें पहले दिन के कलेक्शन पर टिकी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आमिर खान के पहले दिन का कलेक्शन कितना होता है और रक्षाबंधन का कितना होता है। कुछ आखिर आमिर सलमान खान से दूर रहना क्यों पसंद करते थे? क्यों कहा आमिर ने सल्लू को घमंड दी? क्या अब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में दोनों मचाएंगे तहलका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों, सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे हैं जो अपने नाम से फिल्मों को हिट करवाने का दम रखते हैं। उनकी हर फिल्म शूटिंग के साथ ही चर्चा में बन जाती है और रिलीज से पहले ही कई फिल्मों को तो हिट भी करार कर दिया जाता है। इन दिनों आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर लाइमलाइट में है, जो रिलीज के पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। दूसरी तरफ सलमान भी अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की वजह से छाए हुए हैं, जिसकी ग्रैंड कास्टिंग पर दर्शकों की निगाहें टिकी हुई है। इसी बीच आमिर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस इंटरव्यू में आमिर ने सलमान से दूर रहने की बात की है। दरअसल आमिर और सलमान खान फिल्म अंदाज अपना अपना में नजर आए थे, जो 1994 में रिलीज हुई। लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर और सलमान के रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। सलमान और आमिर सिर्फ शूट से जुड़े मामलों पर ही बातचीत करते थे और इस बात का खुलासा खुद आमिर ने किया। आमिर ने अपने और सलमान के खराब रिश्तों की वजह भी बताई। साल 2013 में आमिर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ अपना काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया था कि सलमान खान से दूर रहना पसंद करते थे। उनका एक्सपीरियंस सल्लू के साथ काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, अब लाल सिंह चड्ढा में सल्लू और आमिर साथ नजर आएंगे। सलमान खान वही अपने प्रेम वाले आइकॉनिक कैरेक्टर में दिखेंगे। ये छोटा सा कैमियो होगा, तो अब देखना होगा कितना बड़ा तहलका मचेगा जब दो खान होंगे स्क्रीन पर साथ। आपको कितना इंतजार है दोनों खान को एक ही फिल्म में देखने का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आमिर खान का पहला प्यार, आखिर दो शादियां टूटने के बाद कैसे किया पहले प्यार को मिस? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियार। दोस्तों, आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। एक्टर की हर फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जितने वो सक्सेसफुल है उतने ही नाकामयाब है अपनी पर्सनल लाइफ में। तभी तो एक्टर के दो बार डिवोर्स हो चुके हैं। इस बीच आमिर को अब अपना पुराना प्यार याद आ रहा है। हाल ही में फिर ना ऐसी रात आएगी सॉन्ग के लॉन्च के दौरान आमिर ने गाने की थीम को ध्यान में रखते हुए अपने पहले प्यार को याद किया। एक्टर ने कहा, ये वो टाइम था जब मैं टेनिस खेलता था, वो भी मेरे साथ उसी क्लब में खेलती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर जा रही है। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मुश्किल बात ये है कि वो नहीं जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इससे बस एक ही चीज़ अच्छी हुई कि मैं अच्छा टेनिस प्लेयर बन गया। कुछ सालों बाद मैंने स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल पर चैंपियनशिप खेली और मैं जीता भी। आमिर खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अजय चंदन ने इसे डायरेक्ट किया है। ये 11 अगस्त को रिलीज होगी। आमिर के अलावा इस फिल्म में करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना सिंह भी नजर आएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें शाहरुख खान और आमिर खान के अलावा सलमान खान का भी कैमियो है। अब 11 अगस्त की डेट है जब ये फिल्म इस साल रिलीज होगी और आमिर जोर शोर से इसका प्रमोशन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90s के दौर में भी इस फिल्म का रीमेक बनाया जाना था और तब अनिल कपूर और शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था।
लेकिन उस वक्त तो ये फिल्म बन नहीं पाई, अब बनी है। आप भी देखिए 11 अगस्त 2023 को। कितना इंतजार है फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। OTT पर कब रिलीज होने जा रही है लाल सिंह चड्ढा? आखिर लोग आमिर खान को हमेशा ट्रोल क्यों करते हैं? लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हुआ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, आमिर खान और करीना कपूर की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया, लोग बड़े एक्साइटेड हैं। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट कई बार बदली गई और अब आखिरकार 11 अगस्त को ये रिलीज होगी और सीधे टकराएगी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की OTT डेट भी रिलीज कर दी गई है। मेकर्स और एग्जीबिटर्स के बीच हुई डील के मुताबिक थिएटर रिलीज डेट के 8 से 9 हफ्ते बाद इसे OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा और OTT से भी इसको तगड़ी रकम मिली है। आपको बता दें, ये फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर और करीना कपूर के साथ नागा चैतन्य भी नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, लाल सिंह चड्ढा को लगातार बायकॉट भी किया जा रहा है क्योंकि आमिर खान अपने पुराने स्टेटमेंट्स और पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। आमिर खान अक्सर हिंदू और इंडियंस के खिलाफ बोलते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से कुछ लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आमिर खान ने आर्मी पर भी एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि मानसिक रूप से बीमार लोग आर्मी में कैसे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि आमिर खान के स्टेटमेंट हमेशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ होते हैं। वहीं दोस्तों, आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं और फिल्मों में वो अपनी जान फूंक देते हैं। लाल सिंह चड्ढा में भी उन्होंने बहुत वक्त दिया है। अब देखना होगा ये फिल्म कितनी सुपरहिट होती है। आपको कितना वेट है लाल सिंह चड्ढा का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। खान की लाल सिंह चड्ढा के तेलुगु राइट्स बिके, आखिर किस साउथ सुपरस्टार ने खरीदे लाल सिंह चड्ढा के राइट्स? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा को लेकर आजकल आमिर खान बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। इस फिल्म में करीना कपूर खान, नागा चैतन्य और मोना कपूर हैं। इस फिल्म को 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म माना जा रहा है। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि सुपरस्टार आमिर खान 5 साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। ये फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है और अब रिपोर्ट्स की माने तो इसके तेलुगु राइट्स बेच दिए गए हैं और साउथ सुपरस्टार अल्लू अरविंद ने इन्हें खरीदा है। इससे पहले अल्लू अरविंद ने आमिर खान के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर रिवेंज एंटरटेनर गजनी के लिए भी कोलैबोरेट किया था। IPL फिनाले के दौरान लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज किया गया जो कि काफ़ी धूमधाम तरीके से रिलीज हुआ। आमिर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लेकिन ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। आमिर खान इसमें PK की तरह लग रहे थे जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आमिर खान की मॉम बनी है इस फिल्म में मोना कपूर, जो कि आमिर खान से छोटी है। जहां मोना कपूर की उम्र 40 साल है, वहीं आमिर खान 57 साल के हैं। आमिर खान को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कितना बड़ा तहलका मचाएगी। आपको बता दें, ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसी दिन रिलीज होगी खिलाड़ी कुमार की रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का ट्रेलर भी लोगों को काफ़ी पसंद आया है और उस दिन रक्षाबंधन के मौके पर हो सकता है कि फैमिली के साथ सभी थिएटर में टूट पड़े। अब देखना होगा दोनों के क्लैश में कौन आगे निकल जाएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? कितना इंतजार है लाल सिंह चड्ढा का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ट्रेलर रिलीज के पहले किसने बताया इसे माइंड ब्लोइंग? किसे किया आमिर खान ने नाराज? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त निधि यादव। आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। फिल्म लाल सिंह चड्ढा 2022 की मच अवेटेड फिल्म मानी जा रही है। अब किसी फिल्म में आमिर खान जैसा सुपरस्टार हो और लोगों के मन में उस फिल्म के लिए क्रेज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस फिल्म ने अपनी शानदार प्रमोशनल आइडिया से आजकल काफी बस क्रिएट कर रखा है। हर जगह सिर्फ लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान की ही बात हो रही है। आने वाले टाइम में मिस्टर खान को अपने अमेजिंग प्रमोशनल आइडिया की वजह से काफी फायदा होने वाला है।
और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल्द ही यानी आईपीएल के फिनाले वाले दिन इस फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर रिलीज होने वाला है। ट्रेलर के रिलीज के पहले किसी ने इसकी खूब तारीफ की है। जी हाँ, एक यूएई बेस्ड क्रिटिक ने इसे माइंड ब्लोइंग बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अगस्त में इस फिल्म की सुनामी आने वाली है। जाहिर तौर पर उन्हें ये ट्रेलर काफी पसंद आया है। अब देखना होगा कि इंडियन ऑडियंस को ये ट्रेलर कितना पसंद आता है। अब ये तो आईपीएल के फिनाले वाले दिन ही पता चलेगा कि इस फिल्म का ट्रेलर कितना जबरदस्त होता है। अभी कुछ वक्त पहले इस फिल्म के दो सॉन्ग और एक पॉडकास्ट को भी लॉन्च किया गया था, जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद किया था। अब देखना होगा कि इस फिल्म का ट्रेलर क्या धमाल मचाता है। ट्रेलर के रिलीज के पहले ये सुपरस्टार क्रिकेटर्स के साथ अपनी कोई ना कोई वीडियो रिलीज करते ही रहते हैं, जिससे ऑडियंस के मन में उत्सुकता बनती ही रहती है और जिसकी इन्फॉर्मेशन हम हमेशा आपको देते ही रहते हैं। हाल फिलहाल में स्टार स्पोर्ट्स ने सुपरस्टार की एक और वीडियो शेयर की, जिसमें ये सुपरस्टार आईपीएल की तैयारी करते दिख रहे हैं और वो इरफान पठान और हरभजन सिंह के पास एक एक करके जाते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं या ये कह लीजिए उनकी बेइज्जती करते हैं, जिससे सुनके वो भाग जाते हैं वहां से। ये छोटे छोटे वीडियो सबको खूब पसंद आ रहे हैं और लोग इनसे खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आमिर खान कैसे अपने अंदाज से आईपीएल को झकास बनाते हैं। पर ये सब कुछ वो अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करने के लिए ही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये प्रमोशन उनके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो एक कॉमेडी ड्रामा होगी, जिसका निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है। प्रोड्यूसर है वाई कॉमेडी स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शंस। मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागार्जुन ने शामिल है। ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी।